गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो एक बार आप कंफर्म कर दें। ऑडियो वीडियो ओके है। तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको हिस्ट्री का, और ये बताया था कि तीन पार्ट में हमें इसको स्टडी करना होता है। एक पोर्शन है एंशियंट इंडिया, फिर आता है मेडिवल, और फिर आता है मॉडर्न इंडिया। तो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं मॉडर्न इंडिया पे बनते हैं, पर सही तरीके से एनालिसिस के साथ हिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो प्रॉपर इसका सीक्वेंस है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, उस प्रॉपर वे में हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशियंट इंडिया का पार्ट। एंशियंट इंडिया में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड है उसको हमने डिवाइड किया है पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, हंटिंग वगैरह किया करते थे, फूड के लिए हंटिंग किया करते थे, और क्रूड स्टोन टूल्स की मदद से, स्टोन के प्रॉपर टूल नहीं होते थे, आप समझो जैसे टेढ़ी मेढ़ी शेप के, कोई प्रॉपर शेप के नहीं। पैलियोलिथिक 10,000 से भी पुराना, जो 10,000 BC से भी पहले का टाइम। फिर पैलियोलिथिक के बाद था मिजियोलिथिक एज, जिसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद आया मिजोलिथिक, मिडिल स्टोन एज, 10,000 से 4,000 के बीच। फिर हमने बात की थी नियोलिथिक एज, नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज। फिर हमने आपको बताया था चालकोलिथिक एज, मतलब कॉपर एज उसको बोलते हैं। फिर एक वर्ड आया था ब्रॉन्ज एज, और लास्ट हमने एक वर्ड बोला था आयरन एज। 1000 BC के आसपास पता लगा था आयरन के बारे में, 1000 BC उसके आसपास हमें पता लगा था आयरन के बारे में। तो फर्स्ट नोन मेटल कौन सा है, क्या आंसर होगा बताएं। इंट्रोडक्शन वाली क्लास जिन्होंने की है वो बताएं, फर्स्ट नोन मेटल। अब पहला क्वेश्चन ये है कि पहला नोन मेटल कौन सा था, आप आंसर करेंगे कॉपर। नेक्स्ट पॉइंट, एक मैंने आपको बताया था भीमबेटका, भीमबेटका प्री हिस्ट्रिक रॉक केव पेंटिंग। अलग अलग सोर्सेस में उसका जो टाइम है, कब वो बना है, अलग अलग मिलता है, वेरी करता है। अलग अलग जगह पर भीमबेटका का जो टाइम पीरियड है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर तो ये दिया है कि 40,000 ईयर्स ओल्ड है, मैंने तो आपको 10,000 के आसपास बोला था। कहीं कहीं सोर्सेस कहते हैं कि 40,000 से भी ज्यादा पुराना है, पर ये इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन, इतनी पुरानी चीजें हैं कि सही डाटा, बिल्कुल सही नंबर तो आप बता नहीं सकते, एग्जैक्ट नंबर आप नहीं बता पाएंगे। तो भीमबेटका अगर क्वेश्चन आ जाए, तो भीमबेटका मैंने आपको ये बता दिया था भोपाल से अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास भीमबेटका रॉक केव्स पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और अगर इसका टाइम पीरियड पूछ ले, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए भीमबेटका ये किस टाइम पीरियड का है, क्वेश्चन ऐसे बन जाए, पैलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, अगर वो टाइम फ्रेम में पूछ बैठे, तो मैंने आपको कहा था कि 10,000 ईयर से भी पुरानी है। पर क्वेश्चन अगर आए तो उसमें ध्यान रखिएगा, ज्यादा जो इसको कंसिडर किया जाता है पैलियोलिथिक के बाद वाला समय जो है, लेटर पैलियोलिथिक। सही अगर इंफॉर्मेशन बुक के हिसाब से चलें कि एग्जाम में अगर वो आए तो आपको क्या लगाना है, मैंने आपको बताया कई सोर्सेज में 40,000 ईयर से भी ज्यादा पुराना दिया हुआ है, मतलब पैलियोलिथिक में भी शुरू में दिया हुआ है। पर कई सारी बुक्स जो हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो पैलियोलिथिक के बाद का टाइम और अर्ली मेजोलिथिक, अगर टाइम पीरियड ही पर्टिकुलर आपसे पूछ बैठे तो आप ये टिक करिएगा, ठीक है, लेटर पैलियोलिथिक एंड अर्ली मेजोलिथिक, जो इंडियन सोर्सेज वगैरह हैं, ताकि आप उसको डिफेंड भी कर पाओगे, भाई यहां दिया हुआ है, जो इंडियन सोर्सेज वगैरह हैं उनको आप कोट भी कर सकते हैं, भाई यहां किताबों में ये दे रखा है। तो भीमबेटका का टाइम अगर आपसे पूछे, पैलियोलिथिक के बाद का टाइम, अंतिम का समय, और मेजोलिथिक के शुरू का समय, वही 10,000 BC के आसपास का टाइम हो गया। पैलियोलिथिक क्या है, 10,000 से पहले का, और मेजोलिथिक कब शुरू होता है, 10,000 से 4,000 का टाइम है, मतलब पेलियोलिथिक एंड हो रहा है 10,000 BC पर और मीजोलिथिक स्टार्ट हो रहा है 10,000 BC पर, तो लगभग उसी समय का है भीमबेटका। ऑप्शन इस तरह से बना देगा, पेलियोलिथिक जब एंड हुआ और मीजोलिथिक की शुरुआत हुई, वो ईयर कौन सा है, अराउंड 10,000 BC, ये टाइम है अराउंड, एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बोल सकते, रफली अराउंड 10,000 BC, लगभग इतने समय का है। भीमबेटका इमेज वगैरह दिखाई थी हमने,
सिकंदर अगर कोई एक टिक करना पड़ेगा तो मिजोलिथिक टिक करना, कोई एक अगर ऑप्ट करना हो तो मिजोलिथिक टिक करना। हालांकि ये पूछना चाहिए, आंसर ये बनना चाहिए, पैलियोलिथिक के बाद का मिजोलिथिक की शुरुआत, अगर एक ऑप्शन टिक करना ही पड़े तो मिजोलिथिक टिक करिएगा, चाहे तो लिख लो। अगर एक ही ऑप्ट करना पड़ जाए, मजबूरी है कि एक ही टिक करना है, तब मिजोलिथिक लगा देना। अब आते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, एक पूरे हिस्ट्री की समरी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी एक समरी, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट 2350 BC से लेकर 1750 BC, इस टाइम पे हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 2350 से 1750 BC तक हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली क्यों? सिंधु नदी जो है उसी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। इसका जो हम देखेंगे एक्सटेंट कहां से कहां तक है, कहां फैली हुई सभ्यता थी, इंडस वैली के आसपास ही ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी। तो 2350 BC से 1750 BC हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पन वर्ड कहां से आ गया, अभी लिखना नहीं है, बस सुनने पर ध्यान दीजिए, अभी लिखना कुछ नहीं, बस सुनो, अभी समरी बता रहा हूं, आगे सब एक डिटेल में बात आएगी। 1921 में हड़प्पा रावी नदी के किनारे एक एरिया है, गांव है, पंजाब में पड़ता है, पंजाब का एरिया है, पाकिस्तान में है अभी। तो हड़प्पा एक विलेज है जो अभी पाकिस्तान में है। 1921 जब यहां पर एक्सकेवेशन किया गया था इस जगह पर, हड़प्पा वो जगह है जहां पर 1921 में एक्सकेवेशन हुआ था अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी थे, उनके सुपरविजन में एक्सकेवेशन हुआ। हड़प्पा वो जगह है रावी नदी के किनारे जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, और यहां पर एक्सकेवेशन में कुछ एविडेंस मिले, कुछ एविडेंस पता लगे कि इतने हजार साल पहले कोई सभ्यता के एविडेंस यहां पर मिले हैं। तो हड़प्पा वो फर्स्ट साइट थी जहां एक्सकेवेशन में कई सारे एविडेंस मिले, जिसके नाम पर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल देते हैं, कि यहाँ टाउन वगैरह हुआ करता था पहले, शहर वगैरह बसा हुआ था। तो क्यों इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा वो फर्स्ट साइट थी, एक्सकेवेशन किया गया, एविडेंस वगैरह पता चले, कुछ टाउन वगैरह के एविडेंस मिले कि यहाँ पर ये पहला ऐसा एविडेंस मिला है। हड़प्पा वो पहली साइट, पहला टाउन ऐसा जहां एक्सकेवेशन में पता चला कि इतने हजार साल पहले कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर थी। और इंडस एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडस वैली के किनारे किनारे ही और भी साइट्स का पता चला, इंडस के आसपास ही, मतलब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी। ज्योग्राफी में मैंने इंडस रिवर सिस्टम पूरा बताया हुआ है आपको, तो इंडस के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये कुछ रिवर है जो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। जब हम इंडस रिवर कह देते हैं तो ओनली हम इंडस रिवर की बात करते हैं, सिंधु नदी, पर जब हम इंडस रिवर सिस्टम कह देते हैं तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी को मिलाकर बात करते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम जहां पर है उसी के आसपास और भी कई साइट्स बाद में पता चली। तो 1921 में हड़प्पा वो पहली साइट थी जहां टाउन वगैरह के एविडेंस पता लगे कि इतने हजार साल पहले कोई सिविलाइजेशन यहां पर थी। इसके बाद और भी एक्सकेवेशन किए गए। 1922 में मोहन जो दारो एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, जहां 7 लेयर्स पता लगी थी कि 7 टाइम्स यहां पर लोग दब गए जमीन में, इतनी लेयर्स पता लगी थी जमीन के नीचे, तो इसीलिए उसको माउंड ऑफ डेड कहते हैं, मोहनजोदारो, मृतकों का टीला। वो भी साइट अब पाकिस्तान में है इस समय, और इंडस के किनारे है, वो हड़प्पा रावी के किनारे है और मोहनजोदारो इंडस के किनारे है। फिर बैक टू बैक और भी एक्सकेवेशन हुए कई सारे। अब पहले ओवरव्यू, दिमाग में एक पहले खाका तैयार हो, एक मैप तैयार हो,
कि कई नाम आप सुनते रहे हैं बचपन से, पर आप उसको लिंक नहीं कर पाते कौन सी चीज किसके बारे में है। हड़प्पा वो पहली साइट जहां पर एक्सकेवेशन किया गया, पता चला कि यहां पर इतने हजार साल पहले कोई सिविलाइजेशन रहती थी। तो हड़प्पा के बाद और भी एक्सकेवेशन शुरू किए गए। 1921 में हड़प्पा वाला एक्सकेवेशन हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी। नेक्स्ट ईयर 1922 मोहनजोदारो एक्सकेवेशन हुआ इंडस के किनारे, वो भी एरिया पाकिस्तान में। वहां भी पता लगे एविडेंस, 7 लेयर्स पता लगी कितनी बार जो सिविलाइजेशन वो मिट्टी में दब गए लोग, 7 लेयर्स पता लगे। फिर आगे और भी एक्सकेवेशन करते गए, बहुत सारी साइट हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और भी एविडेंस जहां से मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हड़प्पा मोहनजोदारो के अलावा चानहोदारो एक साइट है हड़प्पा, सुनिए ध्यान से, बस सुनिए मैं बोल रहा हूँ, लिखो मत अभी, एक एक करके सब आएगा, नोट्स में लिखा भी है, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। ये समरी एक बार आपको समझ आ जाएगी, क्रोनोलॉजी समझ आ जाएगी तो आगे इजी हो जाएगा समझने में। सिर्फ कहानी की तरह सुनिए आज की क्लास, अभी लिखने पे मत ध्यान दो, लिखने की लिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, सब कुछ प्रॉपर नोट्स में लिखा है, जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे मैं बोलूंगा। सबसे पहली साइट हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो, इसी सिविलाइजेशन के बारे में ये सारे एक्सकेवेशन बताते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग एविडेंस मिले जिनको कनेक्ट करके फिर हम और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा के टाइम की ज्यादातर चीजें लिखी हुई नहीं है, पिक्चोग्राफिक हैं, इमेज की फॉर्म में चीजें पता लगती हैं, रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी उस टाइम पर। हड़प्पा के समय के जो हमें एविडेंस मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, भाई या तो आपके पास रिटन कुछ होता, तो रिटन स्क्रिप्ट तो नहीं मिली, पिक्चोग्राफिक इमेज की फॉर्म में चीजें पता लगती हैं, और अलग अलग साइट से जो एविडेंस मिले उनको कनेक्ट करके हम स्टोरी बना रहे हैं कि ऐसा रहा होगा। तो जितनी पुरानी इंफॉर्मेशन की बात करोगे उतना इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा उसको कनेक्ट कर पाना, क्योंकि उस समय के एविडेंस बहुत ज्यादा आपके पास है नहीं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अनडेसिफर्ड रह गई, डिकोड नहीं हो पाई। अनडेसिफर्ड मतलब जिसका पता ही नहीं चल पाया, कोई पर्सन ही नहीं जो डिकोड कर पाया उसको। काफी इंफॉर्मेशन हड़प्पा के समय की ऐसी भी रही जो अनडिकोडेड रह गई, जिसको डिकोड कर नहीं पाए। ठीक है, तो और साइट क्या थी, हड़प्पा मोहनजोदारो, उसके बाद चानहोदारो एक साइट है, वहां भी एक्सकेवेशन हुआ, और भी कई सारी साइट है हड़प्पा मोहनजोदारो चानहोदारो, उसके अलावा कालीबंगन है, लोथल है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, मांडा है, दाइमाबाद एक साइट है, इसके अलावा सुतका गेंडोर एक साइट है, सुरकुटाडा एक साइट है। तो कई सारे एक्सकेवेशन हुए हैं जो हमें इस सभ्यता के बारे में बताता है। मैं फिर से कुछ नाम बोलता हूँ, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो चानहुदाड़ो कालीबंगन वर्ड आपको ध्यान आ रहा होगा, बचपन में कुछ याद होना, कालीबंगा को नाम सुनते थे आप, कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां, उस शब्द का मतलब ये है, राजस्थान में साइट है कालीबंगा। तो हड़प्पा मोहनजोदारो चानहुदारो, उसके अलावा कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा को तो यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया अभी, उसके अलावा मांडा एक साइट है, आलमगीरपुर एक साइट है, सुतका गेंडोर एक साइट है, सुरकोटाडा है, दाइमाबाद है, कई सारी साइट हैं जो हमें इस सभ्यता के बारे में बताती हैं, और नए नए एविडेंस भी निकल कर आ रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ही राखीगढ़ी एक साइट मसूदपुर, और राखीगढ़ी के पास ही है एक फरमाना। काफी सारी साइट आप देखेंगे हरियाणा और यूपी में, बहुत सारी साइट मिली है, और पंजाब पाकिस्तान वाले एरिया में मैक्सिमम साइट जो मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो बताती हैं, पाकिस्तान का एरिया, अपने यहाँ हरियाणा का एरिया, उसके अलावा वेस्टर्न यूपी का एरिया, और गुजरात, राजस्थान, जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया। तो हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब का वो एरिया जो पाकिस्तान में चला गया है, इधर का एरिया, ये हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में काफी जानकारी देता है। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपको काफी जानकारी देता है, और गुजरात वगैरह की जब बात करें तो वेस्टर्न इंडिया, कुछ साइट वहां से ही पता चली। ठीक है, तो सारी चीजों को कनेक्ट करके फिर हम इंफॉर्मेशन मिलती गई कि कैसी सभ्यता रही होगी, क्या क्या रहा होगा उस समय पर। तो इसको हम इंडस के आसपास का एरिया है, मेजोरिटी साइट जो है वो इंडस के आसपास पता लगी, तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पा वो पहली साइट थी जहां पता लगा, टाउन पता लगा कि इतने समय पहले को टाउन था। हड़प्पा वो विलेज है जो पाकिस्तान में चला गया रावी के किनारे, उसके नाम पर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पा 4000 ईयर पहले था ये नहीं है। हड़प्पा 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी के सुपरविजन में वो जगह है जहां पर एक्सकेवेशन किया और पता चला कि इतनी पहले कोई साइट रहा, कोई सभ्यता थी यहाँ पर। उस साइट के नाम पर, पंजाब में उस जगह के नाम पर हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला गया। और अगर आपसे पूछ ले किस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, अभी इस टाइम फ्रेम पे मत जाना, इस टाइम फ्रेम पे मत जाना, अगर आपसे ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन की बात कर ले, इसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज के अर्ली एविडेंस यहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदाड़ो जो साइट थी वहां पे डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला था जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू, बहुत आता है क्वेश्चन, डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में, ब्रॉन्ज का बना हुआ था। तो इसका मतलब ब्रॉन्ज वगैरह के यूज के बारे में ये लोग फेमिलियर थे, तभी तो ब्रॉन्ज का बना होगा। उसके अलावा ब्रॉन्ज वगैरह के और भी एविडेंस बाद की साइट से मिले, जैसे दाइमाबाद है, अहमदनगर महाराष्ट्र, ब्रॉन्ज वगैरह के एविडेंस वहां से भी मिले हैं। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चालकोलिथिक है कॉपर एज, चालकोलिथिक का मतलब कॉपर एज, और मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को कह रहा हूँ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है, ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये दोनों टर्म यूज होते हैं। पर अगर आपसे पूछे कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू ब्रॉन्ज का ही बना हुआ है, तो हम उस बेसिस पे बोलते हैं कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी यही है, ठीक है? इंडिया में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल पहले यहां देखने में आता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसी को कहते हैं। अगला पॉइंट सुनो अब, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, अभी जैसे आजकल एक बड़ी डिबेट है ना कि हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, बड़ी डिबेट चलती है इंडिया में वेज नॉन वेज को लेकर। देखो मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो प्रॉपर रिसर्च जो हुई है, जो डाटा अवेलेबल है उनके बेसिस पे बताऊंगा, इनको पर्सनल उसमें मत जोड़ लेना आप कहीं पर। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ो, नहीं तो फिर कहीं जगह आप अननेसेसरी की कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाओगे। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, जो रिसर्च कह रही है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे गौतम बुद्ध वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो गौतम बुद्ध की डेथ को लेकर मैंने दोनों तीनों एंगल बोले हैं। गौतम बुद्ध की डेथ कैसे हुई थी, मैंने तीनों पॉइंट बोले हैं, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो। पहले पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, बहुत जल्दी ओपिनियन नहीं बनाना है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत डिस्कशन हो सकते हैं, बहुत जल्दी ओपिनियन फ्रेम नहीं करना, पेशेंस वाला सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च का डाटा आया। अब अलग अलग रिसर्चर हैं, सबकी अपनी स्टडी है और एक्सपर्ट लोग हैं, ऐसे ही तो नहीं कुछ बोल देते। तो जैसे कि टेराकोटा, टेराकोटा जानते हो, मिट्टी के बर्तन बनते थे पहले। टेराकोटा जैसे मटका, घड़ा, खाना पकाने के लिए लाल लाल जो बर्तन बनते थे पहले, तो बहुत गांव में यूज होता था। आजकल दोबारा से भी कल्चर बढ़ रहा है मिट्टी के बर्तनों का। तो टेराकोटा, टेराकोटा आर्ट में भगवानों की मूर्तियां ही बनाई जाती थी, देवियों की मूर्तियां बनाई जाती थी, टेराकोटा आर्ट बोलते हैं उसको। कई लोग घरों में भी, गार्डन वगैरह में फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। पहाड़ों वगैरह पे आप देखोगे सीढ़ियां बनाने में टेराकोटा यूज कर लेते हैं, छत बनाने में यूज कर लेते हैं। तो टेराकोटा मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते थे, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई कि भाई जो हमारे एंसेस्टर थे, क्या वो लोग मीट वगैरह कंज्यूम करते थे? क्या वो लोग मीट वगैरह कंजम्पशन करते थे? वीडियो लैग कर रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? वीडियो ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके तो हमारे जो एंसेस्टर थे, क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो क्या उस समय वो नॉनवेज वगैरह कंजम्पशन होता था क्या? अभी एक रिसर्च 2 ईयर्स बैक, 2020 के आसपास, चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, अच्छे पेपर्स वगैरह में भी दिया हुआ जो रिसर्च आई थी। क्योंकि पॉटरी के जो बर्तन होते हैं, ये टेराकोटा वाले मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है ना चीजों को। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप उसमें कुछ पकाओगे भी तो उसके ट्रेसेस, उसके अंदर लिपिड है या उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है, वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब तो हो ही जाएगा। तो राखीगढ़ी, मसूदपुर और फरमाना एक जगह है। राखीगढ़ी एक साइट है हरियाणा, उसके पास फरमाना एक जगह है, मसूदपुर एक जगह है,
तो वहां पर कुछ एविडेंस मिले, उतने हजार साल पहले जो मिट्टी के बर्तन वगैरह पाए गए उनको जब चेक किया गया तो उसमें लिपिड वगैरह कंटेंट जो उसने एब्जॉर्ब कर रखा था, उस बेसिस पे रिसर्च में बोला गया कि उस समय भी बफेलो और मीट वगैरह का कंजम्पशन होता था। 2021 की रिसर्च है, अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक, तो लगातार जो अपडेट आ रहे हैं, जो रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, मैं वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। तो मीट कंजम्पशन अब आज के फ्रेम में आप सही गलत उसको प्रूव करने बैठ गए हैं, उस समय के लिए नहीं गलत मानते होंगे, या खाते होंगे या नहीं खाते होंगे। तो जब भी हम कुछ बात करेंगे तो एविडेंस बेस्ड बात करेंगे, देखो इस रिसर्च में ये बोला गया या अभी तक ये, कल को कोई नई थ्योरी आ जाएगी तो बात चेंज हो जाएगी। हिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, बहुत पुराने समय की जो बातें हैं, कोई नई थ्योरी, कोई ज्यादा कन्विक्शन कहीं पर आ जाए, नहीं नहीं ये थ्योरी ज्यादा सही लग रही है उसको मान लिया जाएगा। बहुत बार थ्योरी बदली भी है अभी तक की जो रिसर्च के हिसाब से ये एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन ये लगभग इनका समय था। एक मैंने हल्का सा ओवरव्यू बताया, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, कहा जाता है कि ये वो एरिया है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं जो मैंने कराया तो मैंने बताया था नॉर्दर्न इंडिया हमारा हिमालय का पार्ट है, और हिमालय अभी अंडर फॉर्मेशन माउंटेन है, पूरी तरह से वो बना भी नहीं है। तो जो नीचे अर्थ के जो प्लेट्स हैं, अर्थ कंटिन्यूअस ऐसे नहीं है ना, प्लेट्स हैं कई सारी, तो प्लेटों में मूवमेंट होते रहते हैं, और हिमालय अभी पूरी तरह से फॉर्म भी नहीं हुआ है, वो फोल्डिंग टाइप का माउंटेन है, दो प्लेटें ऐसे टकराई हैं और अभी भी फोल्ड हो गई है, फोल्डिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि हिमालय एक अंडर फॉर्मेशन माउंटेन है, फोल्डिंग से बना माउंटेन है, लगातार प्लेटें एक्टिव हैं। तो यहाँ नॉर्थ इंडिया और इसके आसपास के जो कंट्री हैं वहाँ अर्थक्वेक आते हैं, सिस्मिक जोन है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इस एरिया में अर्थक्वेक आते रहते हैं इधर का जो पार्ट है। तो एक रीजन तो माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, एक तो माना जाता है कि डिजास्टर प्रोन एरिया है ये एरिया इंडिया में, जहां सबसे ज्यादा डिजास्टर का खतरा है, बिल्कुल है, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है, उसके अलावा इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, ये इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, फ्लड का खतरा, आज भले आपको बहुत फ्रिक्वेंट फ्लड नहीं दिख रही है, जम्मू कश्मीर में तो कुछ समय पहले आई भी थी, पता होगा आपको। तो इस एरिया में, जम्मू कश्मीर का एरिया हो या लद्दाख का एरिया, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर, अब ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी प्लस पाकिस्तान का एरिया, आज पाकिस्तान अलग हो चुका है, आप पाकिस्तान को हिस्ट्री में तो मिलाकर ही देखोगे ना, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जब ये पाकिस्तान तक में एंटर करती हैं तो ये फ्लड प्रोन एरिया भी रहा है, फ्लड बहुत आते थे, तो अर्थक्वेक भी आते थे, फ्लड भी आते थे, उत्तराखंड जैसे एरिया में तो लैंडस्लाइड बहुत होते हैं, तो हिमालय का ये पूरा एरिया डिजास्टर प्रोन एरिया है। तो एक थ्योरी कहती है कि फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते थे, अर्थक्वेक आते थे, तो ये सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सेटल्ड लाइफ जीते थे, एक ही जगह पर सेटल्ड थे इंडस के आसपास, तो डिजास्टर की वजह से ये वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए, डिजास्टर की वजह से, डिजास्टर यहाँ आते थे, लगातार अर्थक्वेक आते थे, लगातार अर्थक्वेक आते थे, फिर यहाँ पर फ्लड्स बहुत आते थे, तो डिजास्टर प्रोन एरिया है, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से खत्म हो गए। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी यही है। आर्यंस का एंड कैसे हो गया, आर्यंस से, आर्यन सॉरी हड़प्पन्स, आर्यन की बात नहीं कर रहा हूं, हड़प्पन का एंड कैसे हो गया, हड़प्पन के एंड को लेकर या इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कैसे हो गई, दो थ्योरी मेनली मानी जाती है। एक तो मानी जाती है नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं आती थी, अर्थक्वेक फ्लड्स, उसकी वजह से खत्म हो गए, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है, यही थ्योरी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि रातों रात नहीं खत्म हो गए होंगे, डिजास्टर प्रोन एरिया में रहते थे, आए दिन डिजास्टर आते रहते थे, धीरे धीरे करके पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। जैसे मोहनजोदाड़ो में तो 7 लेयर्स पाई गई कि जमीन में लोग इतनी बार दबे। और एक थ्योरी कहती है कि फ्रिक्वेंट आर्यन अटैक्स, सेंट्रल एशिया में आर्यन लोग रहते थे, आर्य एक लैंग्वेज का नाम है, आर्य जो है कोई किसी पर्सन का नाम नहीं है, आर्य जो बोलते हैं, आर्य एक लैंग्वेज है, आर्य सेंट्रल एशिया में बोली जाती थी, तो आर्यन के अटैक होते थे वहां से, सेंट्रल एशिया से आर्यन के अटैक होते थे, वो भी एक रीजन माना जाता है इनके खत्म होने का, कि नेचुरल कैलेमिटी तो थी ही बड़ा रीजन, अर्थक्वेक और फ्लड्स का आना, और एक थ्योरी मानती है कि आर्यंस के अटैक होते थे इन पर, एक वो भी कारण है कि ये खत्म हो गए। आर्य एक लैंग्वेज को बोलते हैं, लैंग्वेज का नाम है आर्य, उसका मीनिंग होता है सुपीरियर या नोबल रेस, सुपीरियर या नोबल रेस, एक ऊंची नस्ल,
आर्यों का डिस्क्रिप्शन भी आपको किस तरह का मिलेगा, लंबी नाक होती है, ब्लू कलर की आईज होती है, गोल्डन ब्राउन हेयर, इस तरह का। पर अब तो इतनी मिक्सिंग हो चुकी है कि परफेक्ट एकदम ओरिजिनल आर्यन ब्रीड आपको दिखे, कहीं कहीं पर दिख सकता है, पर काफी मिक्सिंग तो हो ही चुकी होगी, हाइब्रिड हो चुका है सब कुछ। ठीक, तो कहा जाता है कि आर्यन जो लोग थे वो भी अटैक करते थे, वो भी हड़प्पंश के खत्म होने का एक कारण रहा। पर सबसे ज्यादा माना जाता है आर्यन के बजाय नेचुरल कैलेमिटी वाली थ्योरी को, कि उसकी वजह से खत्म हुए। क्लियर है? एक हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट हो गया दिमाग में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और ये लोग एक ही जगह पर सेटल्ड लाइफ जीते थे, काफी समय रहे होंगे एक ही जगह पर सेटल्ड लाइफ जीते थे, तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बनाइजेशन का सबसे पहला एविडेंस ही अपने यहाँ यही मिलता है, शहरीकरण का, आधुनिकता का एक एविडेंस मिलता है, अर्बनाइजेशन का एविडेंस सबसे पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन। यूरोपियन लोग हमें बोलते हैं, सिविलाइजेशन सिखाते हैं हमें, मॉडर्नाइजेशन सिखाते हैं हमें, सबसे पहले अर्बनाइजेशन के एविडेंस हमारे यहाँ हड़प्पा से मिलते हैं। मैं आके आपको बताऊंगा ड्रेनेज सिस्टम का पैटर्न उस जमाने में हड़प्पा में हम लोग यूज करते थे, पक्के मकान बनते थे, फोर्ट्स वगैरह उस समय होते थे, रोड जो बनती थी जैसे स्ट्रीट जा रही है, ऐसे जो टाउन बसते थे कैसे स्ट्रीट हैं, लेन जो बनाते थे 90 डिग्री पे कट करती थी, मतलब गलियां सीधी सीधी होती थी फिर इधर रोड जा रही है, तो परफेक्ट टाउन प्लानिंग ऐसे ही तो होता है कि रोडें बिल्कुल सीधी हों, गांव की तरह टेढ़ी मेढ़ी सीधी सीधी रोडें और 90 डिग्री पे कट करती थी, चेस बोर्ड पैटर्न में बसाते थे शहर को, चेस बोर्ड पैटर्न में शहर को बसाते थे, ग्रिड पैटर्न जैसे होता है चेस बोर्ड पैटर्न, तो परफेक्ट अर्बनाइजेशन स्ट्रक्चर यही तो होता है, अभी भी बना पाना चैलेंज है, उस समय यूज होता था, पक्के मकान बनाना, चेस बोर्ड पैटर्न में शहर को बसाना, रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, ड्रेनेज सिस्टम उस समय हमारे यहाँ हुआ करता था, हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर अवेयर लोग थे, मतलब हेल्थ वगैरह को भी वो जानते थे अच्छी तरीके से, हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर भी अवेयर लोग थे हड़प्पंस। हड़प्पंस एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ट्रेड किया करते थे उस टाइम पर, ट्रेड किया करते थे, व्यापार भी होता था हमारे यहाँ। सबसे पुराना ट्रेड कॉटन है, जिसको सिंडोन नाम से जाना जाता था, कॉटन सबसे पुराना ट्रेड है इंडिया का। हम लोग बाहर से मेटल वगैरह लेते थे, करेंसी तो थी नहीं, बार्टर सिस्टम चलता था कि हमने आपको कॉटन दे दिया, आपने बदले में कोई प्रीसियस मेटल्स दे दिए। तो उस समय कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी तीन और सिविलाइजेशन दुनिया में थी, एक तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एक ये सिविलाइजेशन हड़प्पन के कंटेम्प्रेरी है, एक सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और एक सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इन सब जगहों पर भी कई एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, इसका मतलब इन लोगों में ट्रेड होता रहा होगा, भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और वहां पर मेसोपोटामिया और इजिप्शियन थे, इनके बीच में ट्रेड होता रहा होगा, यहाँ पर भी जो एक्सकेवेशन किए गए हैं उसी टाइम के एविडेंस मिलते हैं जब हमारे यहाँ हड़प्पन के एविडेंस मिलते हैं, उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, मेसोपोटामिया आज का इराक। ठीक, कई सारे एविडेंस सिमिलर मिलते हैं, मतलब इनके बीच में ट्रेड भी होता रहा होगा। बेसिकली हम लोग कॉटन, सबसे पुराना ट्रेड हमारा कॉटन है, हम उनको कॉटन बेचते थे, उनसे हम मेटल वगैरह लेते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इनसे हम ट्रेड किया करते थे। तो ये उस समय की सिविलाइजेशन है, कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। चाहो तो एक वर्ड लिख लो, कंटेम्प्रेरी का मतलब हिंदी वाले नोट कर लें, समकालीन, कि उस समय और कौन सी सभ्यताएं थी, क्या हम अकेले थे दुनिया में, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस थी ये, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ हड़प्पा, एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये समकालीन सभ्यताएं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। तो सबसे पुराना ट्रेड हमारा, सबसे पुराना ट्रेड है कॉटन, कॉटन को सिंडोन नाम से जाना जाता था, ओल्डेस्ट इंडियन ट्रेड, ओल्डेस्ट
इंडियन ट्रेड, सबसे पुराना इंडियन ट्रेड कॉटन, उसको सिंडोन नाम से भी जानते थे, सिंडोन। ये नोट करना है, कर लो, फिर आगे बढ़े। लिख लिया ये। हड़प्पन के कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन कौन सी थी दुनिया में? मेसोपोटामिया, आज का इराक है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया है ओल्ड नेम ऑफ इराक, ओल्ड नेम ऑफ इराक। कई बार चर्चा चलती है, कोई पर्सन साउथ से है, कोई महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल से कोई है, कई बार ये चर्चा चलती है कि हड़प्पन की लैंग्वेज क्या थी, हड़प्पन लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे। संस्कृत तो उस समय थी नहीं, संस्कृत के एविडेंस उस समय नहीं मिलते। हाल ही में एक रिसर्च हुई, एक बहुत बड़े रिसर्चर ने बताया। अब हड़प्पन के समय के एविडेंस मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय लैंग्वेज का ज्यादा कोई स्क्रिप्ट तो थी नहीं, लिखने का कोई तरीका था नहीं, और मोस्ट ऑफ द थिंग जो मिलती हैं वो पिक्चोग्राफिक हैं, इमेज, इमेजेस की फॉर्म में मिलती हैं। उस इमेज को हम डिकोड करके इंफॉर्मेशन निकाली, या जो पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन मिले, टेराकोटा की चीजें मिली, उसके बेसिस पे हमने बताया कि ये लोग क्या करते रहे होंगे, किस तरह की सिविलाइजेशन रही होगी, जो टाउन प्लानिंग वगैरह के स्ट्रक्चर पता लगे, उसके बेसिस पे पूरी स्टोरी बनाई गई। अभी कुछ समय पहले रिसर्च हुई जिसमें कहा गया कि ये लोग द्रविड़ियन लैंग्वेज बोलते थे, द्रविड़ियन लैंग्वेज बोलते थे। कुछ टाइम पहले की रिसर्च में ये बोला गया, एक बड़े रिसर्च ने कहा कि द्रविड़ियन लैंग्वेज ये लोग बोलते रहे। संस्कृत उस समय नहीं थी, संस्कृत बाद की है, हड़प्पन के बाद आई है संस्कृत। उस टाइम पर जो लैंग्वेज है, अब डिबेट चलती है क्या संस्कृत उस समय थी। वेद वगैरह तो बाद में पता चले, वेदों में संस्कृत इस्तेमाल हुई है, ये एविडेंस बाद में मिलता है। हड़प्पन के टाइम पे संस्कृत थी कि नहीं थी, अब इतनी पुरानी बात है, रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं, तो कई सारी चीजें एजम्पशंस हैं। हिस्ट्रियंस अपने अपने लॉजिक लगाते हैं, अपने अपने एविडेंस बोलते हैं, भाई ये रहा होगा, वो रहा होगा। तो कुछ कह रहे हैं कि भाई संस्कृत के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, कोई बहुत ज्यादा एविडेंस इस पर नहीं मिलते। पर कुछ रिसर्चर ने कहा है कि द्रविड़ियन लैंग्वेज लोग यूज करते थे, द्रविड़ियन लैंग्वेज यूज करते थे। द्रविड़ियन लैंग्वेज बेसिकली साउथ एशिया में यूज होती थी। द्रविड़ियन, द्रविड़ियन जो लैंग्वेज है वो साउथ इंडिया में यूज होती, साउथ एशिया में यूज होती थी। साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया नहीं आएगा, श्रीलंका वगैरह भी आ गया, साउथ एशिया में श्रीलंका भी आ गया। अब द्रविड़ियन लैंग्वेज कई सारी हैं, द्रविड़ियन लैंग्वेज, बहुत सारी द्रविड़ियन लैंग्वेज हैं, पर फोर मेन द्रविड़ियन लैंग्वेज, फोर मेन द्रविड़ियन लैंग्वेजेस ज्यादा बोलने वाले जिनके हैं, ये है आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये फोर लैंग्वेज जो हैं द्रविड़ियन में, 70 के आसपास लैंग्वेजेस हैं अराउंड, पर द्रविड़ियन में फोर मेन लैंग्वेज जिनके स्पीकर ज्यादा है, बोलने वाले ज्यादा है, बेसिकली ये फोर लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़, मलयालम, ये फोर मेन लैंग्वेज हैं। इनमें भी सबसे पुरानी है तमिल, ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज। जैसे अगर सबसे पुरानी भाषाओं में बात करें तो डिबेट यही है ना कि संस्कृत ज्यादा पुरानी है कि तमिल ज्यादा पुरानी है। संस्कृत के लिए तो कोई बहुत एविडेंस मिल नहीं पा रहे, डिबेट होती है कि क्या हड़प्पन संस्कृत भी जानते थे, पर बहुत ज्यादा एविडेंस कुछ मिल नहीं रहे। कुछ रिसर्चर ने बोला है कि तमिल वो जानते थे, अब ये एम्बिग्यूटी है, बहुत क्लैरिटी नहीं इसके, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ कि ये भी उनको पता थी कि नहीं। कुछ रिसर्चर ने माना है कि तमिल वो जानते थे, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि संस्कृत पता नहीं उस समय थी कि नहीं थी, एम्बिग्यूटी है इसमें, बहुत क्लैरिटी नहीं। पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए संस्कृत और तमिल में सर्वाइविंग लैंग्वेज सबसे पुरानी आज की डेट में कौन है, तो संस्कृत तो अब बहुत कम जगह रह गई, संस्कृत तो अब रही नहीं, संस्कृत नहीं रही, तो अब कौन सी है ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज जो बची रह गई है, सबसे पुरानी लैंग्वेज जो लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं बोलचाल में, तमिल।
ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज, मैं लिविंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, संस्कृत अपना वो जो लेवल था, वो जो उसकी रिचनेस थी, टाइम के साथ साथ वो खत्म होती चली गई, टाइम के साथ साथ खत्म हो गई, लोगों ने बोलना छोड़ दिया, दूसरी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर लिया, रीजनल भाषाएं आ गई, तो संस्कृत आगे जाके काफी मतलब वो उसका जो रिचनेस था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और कई भाषाएं बन गई। तो आगे जब मैं आपको आर्यन वगैरह बताऊंगा, बुद्धिज्म जैनिज्म बताऊंगा तब आएगा। ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज तमिल, तमिल संस्कृत क्योंकि अब ज्यादा जगह कहीं है नहीं, कर्नाटका वगैरह में एक आध विलेज है जो आज भी संस्कृत को ही मेंटेन करते हैं, कर्नाटका वगैरह में एक विलेज है जहां बच्चे से लेके बड़े तक संस्कृत में ही बोलचाल होती है, संस्कृत ही यूज करते हैं, सर्च करोगे मिल जाएगा वो भी। ठीक है, कुछ हैं जो अपने कल्चर को बचा रखे हैं। ऐसे ही हिमाचल में एक गांव है, वो कहते हैं कि हम लोग प्योर आर्यन ब्रीड हैं, बाहर से कोई जाता है तो उसको अलाउ नहीं करते, ना छूने के लिए, किसी चीज को छू नहीं सकता बाहर से कोई जाए, या वो मिक्स नहीं होते इतनी इजीली, क्योंकि वो अपने को प्योर आर्यन ब्रीड मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर हम मिक्सिंग करेंगे तो हमारे जो आर्यन करेक्टर जो हम बचा के रखे हैं, आर्यन वाला करेक्टर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। फिर वो मानते हैं खुद को प्योर आर्यन, पर पीछे पीछे कहाँ कितने क्रॉस हुए सारे एविडेंस तो नहीं है। ठीक है, आर्यन सुपीरियर नस्ल, सुपीरियर नस्ल ऊंची नस्ल, आर्य शब्द, आर्य एक लैंग्वेज का नाम है जिसका मीनिंग होता है सुपीरियर रेस, सुपीरियर या नोबल रेस, ऊंची नस्ल, जिनके फीचर्स मैंने बताए, गोल्डन ब्राउन हेयर, ब्लू आईज, लंबी नाक, ऐसे लंबा चेहरा, इस तरह का, जैसे वॉरियर्स वगैरह एंशिएंट मूवीज में देखते हो, योद्धा वगैरह जो देखते हो। ठीक है, और केवल यहाँ पे ऐसा नहीं है, यूरोप का बहुत एरिया आर्यंस थे वहां, यूरोप का भी काफी एरिया आर्यंस रहे वहां। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको तमिल को लेकर, तमिल को लेकर हमने चर्चा की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, वो लोग अर्बन लोग थे, शहरी लोग थे, जो जो मैनेजमेंट वहां देखने को मिलते हैं उससे पता लगता है कि अर्बन लोग थे, शहरी लोग थे। अभी तक के लिए इतना एक आइडिया काफी है। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, अभी तो एक आइडिया बस आपको लगा। इसके बाद आता है आर्यन एज, आर्यन एज, या इसको वैदिक एज भी कहते हैं। वेदों, वेद कब आए? इनके टाइम पर ही वेद आए हैं। जो आप चार वेद जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो आर्यन एज, आर्य जब आए हैं, आर्यों के समय में ही वेदों का ओरिजिन है, वेद इसी समय आए हैं, आर्यों के समय। अब वेदों को लेके भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। इनको अपुरुषेय बोला जाता है, वेदों को कहा जाता है अपुरुषेय। अपुरुषेय का मतलब है किसी ह्यूमन ने इसकी रचना नहीं की है, ये है वर्ड ऑफ गॉड, ये बोला जाता है। पर उस समय लोगों ने क्या माना क्या नहीं माना, आर्यों के बारे में चर्चा जब करेंगे तब देखेंगे। पर ह्यूमन ने नहीं बनाए तो फिर बने कैसे, ह्यूमन ने नहीं बनाए तो कैसे बन गए? ठीक, पर इनको अभी तक जो माना जाता है, क्या माना जाता है, इनको कहा जाता है अपुरुषेय, कि किसी ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान के शब्द हैं, वेद यहां से आए, कि ये भगवान के शब्द हैं और वहां से आया है, डिवाइन ओरिजिन है इनका। यार इतना प्रॉब्लम हो रही है ना, बफरिंग हो रही है, क्या लिख रहे हो, इतना अच्छा जो फ्लो बन रहा है कंटेंट का, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। जब क्लास मैंने पिछली वाली क्लास अपलोड की थी सिकंदर, क्या उसमें भी वो प्रॉब्लम हो रही थी जो लाइव में थोड़ी बहुत बफरिंग आ रही थी? जब मैंने क्लास के बाद वीडियो अपलोड किया था लेक्चर वन वाला, इंट्रोडक्शन वाला, क्या उसमें भी वो प्रॉब्लम आ रही थी जो लाइव में चल रहा था दिक्कत? हालांकि मैंने मल्टीपल टाइम चीजें रिपीट की थी, कंटेंट तो कुछ नहीं छूटा होगा, बफरिंग हो रही है अभी? अभी किसी को प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो वीडियो, कोई दिक्कत है? अब ये भी तो बात है ना कि इंटरनेट आपके एंड से प्रॉब्लम कर रहा है कि मेरे एंड से प्रॉब्लम कर रहा है,
अगर तुम्हारे एंड पे इंटरनेट गड़बड़ होगा और हर 2 मिनट में रोकोगे तो कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है भाई, पिछली इतनी क्लासेस हुई हैं, पॉलिटी वॉलिटी इतना कुछ हुआ है, कहीं प्रॉब्लम नहीं थी? ठीक है, तो आर्यन के बाद, ये सॉरी हड़प्पंस के बाद फिर आया आर्यन एज। वेद जो है वो इसी टाइम पर हम चर्चा करेंगे, आर्यों के समय में ही आया वेद। वैदिक एज बोलते हैं क्योंकि वेद जो है वो आर्यों के समय में ही आए, और वेद के लिए कहते हैं कि गॉड के वर्ड है, गॉड के दिए हुए वर्ड है, ह्यूमन ने नहीं बनाया इसको, इसके लिए ऐसा कहा जाता है। अपुरुषेय एक वर्ड यूज करते हैं, अपुरुषेय का मतलब होता है डिवाइन ओरिजिन, दैविक है, ह्यूमन ने नहीं बनाए, गॉड के वर्ड है ये वेद, ये बोला जाता है। थोड़ा बहुत अगर कहीं ग्लिच आता है, मैं हर लाइन को 3 बार 4 बार रिपीट करता हूँ, अगर वो तीनों चारों बार में प्रॉब्लम हो रही है तब आप लिखिए कि दिक्कत हुई, सुनाई नहीं दिया। अगर कहीं हल्का सा ग्लिच आ भी जाए, इंटरनेट में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हो भी जाए, तो मैं 3 to 4 टाइम रिपीट करता हूँ, एक बार भी नहीं सुनाई दिया चारों में से, तब आप लिखिए कि दिक्कत है, कोई वर्ड मिस हो रहा हो तो मुझे बताओ, हर लाइन पर डिस्टर्ब नहीं करिए। या तो फिर तरीका है कि क्लास रिकॉर्डिंग करके तब डालें, वही तरीका बचता है फिर तो। लाइव में हल्का फुल्का इशू आया, मैं 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, हल्का सा भी ग्लिच आए, चारों बार नहीं सुनाई दे, तब मुझे बताओ कि सर दिक्कत है, वर्ड नहीं आ रहा क्लियर। अब टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो आर्यन एज और वैदिक एज, आर्यन एज और वैदिक एज, इस समय पे वेद आए हैं, वेदों का ओरिजिन यहीं पर है। आर्यन जो लोग थे वो नोमेडिक लाइफ जीते थे, हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन थी। जैसा कि मैंने बताया, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी लोग थे, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इनकी सेटल्ड लाइफ थी, एक ही जगह पर रहते थे, सेटल्ड लाइफ थी, इसीलिए ये नेचुरल कैलोमिटी डिजास्टर वगैरह में खत्म भी हो गए। इनके बाद आए आर्यन, आर्यन लोग इसी समय वेद भी आए, तो इनको वैदिक एज भी कहते हैं। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आर्यन एज को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल ये 1500 से लेकर 600 BC तक का टाइम है इनका, जिसमें से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक एज, एक है अर्ली वैदिक एज जो 1500 BC से 1000 BC तक है, और उसके बाद का है लेटर वैदिक, लेटर वैदिक एज जो कि 1000 BC से 600 BC तक है। तो वैदिक एज को भी, आर्यन एज को भी हमने 2 पार्ट में स्टडी करना है, वन इज अर्ली वैदिक, वन इज लेटर वैदिक। 1500 से 1000 BC तक है अर्ली वैदिक, और 1000 से 600 के बीच है लेटर वैदिक। 2 पार्ट में पढ़ना है वैदिक एज को, वैदिक एज को भी हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक। ठीक है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक लेटर वैदिक क्या मतलब, ये लोग नोमेडिक लाइफ जीते थे, आर्यन लोग जो थे वो सेटल्ड एक ही जगह पर नहीं रहते थे, इंडस से चलना शुरू किए और चलते 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 ये लोग गंगा तक आ गए थे। तो नोमेडिक लाइफ जीते थे मतलब खानाबदोश वाली जिंदगी, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी। आर्यन को आप देखोगे सेटल्ड लाइफ नहीं थी, नोमेडिक लाइफ जीते थे, एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे, तो एग्रीकल्चर वगैरह भी ज्यादा नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि जब लगातार शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर तो नहीं, एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, प्राइमरी क्या था, अपने साथ ये लोग कैटल्स को रखते थे जिनसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट ज्यादा मिलते थे। इनका जो मेन मेन जो इनके पास एनिमल, काउ, काउ का इंपॉर्टेंस वैदिक एज में बहुत बढ़ा है, उससे पहले नहीं था उतना, वैदिक एज में काउ का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ा, क्योंकि मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट ये इनका मेन फूड हुआ करता था आर्यंस का, क्योंकि नोमेडिक लाइफ जीते थे, एक से दूसरी जगह मूव करते थे, तो फूड रेगुलर कैसे मिल पाएगा, एग्रीकल्चर तो सेकेंडरी करते थे बहुत थोड़ी, मेन इनका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट थे, नो सेटल्ड लाइफ, आर्यन जो लाइफ थी वो सेटल्ड लाइफ नहीं थी। हड़प्पन सेटल्ड लाइफ में जीते थे, अर्बन थे,
ये रूरल लाइफ जीते थे और एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, बेसिकली ट्राइबल्स की तरह, कबीले वालों की तरह, ट्राइबल्स की तरह, ठीक है। इसके बाद 600 BC ये लोग मूव करते करते आ गए, गंगा तक आ गए। 600 BC में आर्यंस मूव करते करते आ गए गंगा तक। अब गंगा के किनारे थोड़ी बहुत, मैंने बताया, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत करते थे, और आयरन का पता लग चुका था, आयरन मालूम चल चुका था 1000 BC के आसपास। तो आयरन का पता लग गया और मूव करते करते गंगा के किनारे तक पहुंच गए थे इस टाइम तक। तो थोड़े ही एफर्ट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिला, क्योंकि गंगा के किनारे की सॉइल एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, थोड़े से एफर्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला। जैसे वेस्टर्न यूपी वगैरह का एरिया देखो, गंगा का एरिया कितना फर्टाइल, कितनी खेती होती है। तो जब ये लोग मूव करते करते गंगा के पास पहुंचे, और आयरन भी उस समय तक पता लग चुका था, आयरन के टूल्स वगैरह भी बनने लगे, तो जब इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, जो कि सेकेंडरी था, शुरू में प्राइमरी एग्रीकल्चर नहीं करते थे ये, बाकी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वगैरह पर डिपेंड रहते थे, एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। पर जब गंगा के किनारे पहुंचे और आयरन भी इनको पता लग चुका था 1000 BC के आसपास, तब इन्होंने जो एग्रीकल्चर किया, प्रोडक्शन ज्यादा मिला। तो जब कम एफर्ट में इतना प्रोडक्शन मिल रहा है, अब हम क्यों शिफ्ट करें यहाँ वहां, अब हम क्यों जाएंगे कहीं पर, अब हम यहीं पर रहें, सेटल्ड लाइफ की कंसेप्ट आने लग गया। तो 600 BC वो टाइम है जब मेजर चेंज की शुरुआत हुई। 600 BC वो टाइम है जिसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर चेंजेस आना शुरू हुए। तो गंगा के किनारे जब आ गए, वहां पे एग्रीकल्चर किया, प्रोडक्शन ज्यादा मिल गया, क्योंकि गंगा की सॉइल एलुवियल सॉइल थी। तो फिर अब यहीं पर सेटल्ड हो जाएं, अब कहीं क्यों जाना, अब कहीं क्यों जाना, अब हम यहीं सेटल हो जाएं। तो 600 BC में शुरू होता है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह के चेंजेस आए, दो तरह के चेंजेस आए यहां पर, दो तरह के चेंजेस आए। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का, दो चीजें हुई, एक तो पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, दूसरा रिलीजियस चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस। क्यों पॉलिटिकल चेंजेस, क्यों रिलीजियस चेंजेस? आर्यन जब एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, नोमेडिक लाइफ जीते थे, तो आर्यन कोई वन पर्सन तो नहीं था ना, ट्राइब्स के ग्रुप थे, ट्राइबल थे जो ग्रुप में मूव करते थे एक से दूसरी जगह, कोई 1% 2% थोड़ी था, ट्राइब में कई लोग रहे होंगे। और क्या सारे लोग एक ही ट्राइब में रह रहे थे? नहीं, कुछ ट्राइब थी जो एक से दूसरी जगह सेटल करते जाते थे, कोई 1% नहीं था। अब मान लो कई सारे गांव रहे होंगे, ट्राइबल्स की कम्युनिटी रही होगी, पर सारे जितनी पॉपुलेशन थी, क्या सब एक ही साथ रहते थे? ऐसा नहीं है, ग्रुप्स बने हुए थे। तो जब आते आते शिफ्ट करते करते गंगा के आसपास पहुंच गए, तो पॉलिटिकल चेंजेस और रिलीजियस चेंजेस, मतलब ट्राइब्स जो थी उनमें आपस में सुपीरियरिटी के लिए कंफ्लिक्ट होने लगे। पॉलिटिकल चेंजेस का हम क्या मतलब, कि अब सेटलमेंट की बात आ रही है, एक हमारी ट्राइब है, एक दूसरी ट्राइब है, एक तीसरी ट्राइब है, तो आपस में कंफ्लिक्ट की बात, ज्यादा एरिया कंट्रोल कौन करेगा, आपस में कंफ्लिक्ट की बात आने लगी, कि अब ज्यादा एरिया कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि सेटलमेंट करना है, यही रहना है। तो किंगडम कंसेप्ट आने लग गया। पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब है कंसेप्ट ऑफ किंगडम अराइजेस, स्टेट फॉर्मेशन, राज्य वगैरह बनाने की बात शुरू हो गई, राज्य वगैरह बनने लगे। तो स्टेट फॉर्मेशन, किस तरह के पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कि भाई अब हम सुपीरियर हैं कि आप सुपीरियर हो, किंगडम कंसेप्ट, कौन ज्यादा एरिया का मालिक होगा। तो स्टेट फॉर्मेशन की बात आ गई, उससे पहले तो एक जगह सेटल्ड थे ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब सेटलमेंट की बात आ गई, तो वर्चस्व की लड़ाई धीरे धीरे शुरू, धीरे धीरे वर्चस्व की लड़ाई शुरू, स्टेट फॉर्मेशन शुरू। तो किंग कंसेप्ट ऑफ किंगडम अराइजेस, कंसेप्ट ऑफ किंगडम अराइजेस, इससे पहले ट्राइबल की तरह लाइफ जीते थे। कंसेप्ट ऑफ किंगडम अराइजेस, यहां पे किंगडम कंसेप्ट शुरू हो गया ना। और बने एक साथ लगभग इसी समय के आसपास बने 16 ग्रेट स्टेट, जिन्हें कहा जाता है सोडस महाजनपद। इसी समय पर 16 ग्रेट स्टेट बने। मोस्ट पावरफुल वॉज मगध, जिसमें सबसे पावरफुल था मगध। तो 600 BC के आसपास चेंजेस शुरू हुए, समाज में बदलाव आने शुरू हुए, पॉलिटिकल चेंजेस,
जिसमें स्टेट फॉर्मेशन होना, कंसेप्ट ऑफ किंगडम आ गया, तो प्रॉपर सोसाइटी तो नहीं, जो ग्रुप्स बने हुए थे ट्राइबल वगैरह जो थे, वही किंगडम कंसेप्ट की तरफ शिफ्ट करने लगे, आपस में कन्फ्लिक्ट वगैरह आने लगे। तो पॉलिटिकल चेंजेस जो हुए, स्टेट का फॉर्मेशन शुरू हुआ, किंगडम कंसेप्ट आने लगा, तो यहीं पर हुआ राइज ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स, इनको बोलते हैं षोडश महाजनपद। हिंदी में जो पढ़े होंगे चाहे तो नोट कर लें, 16 को हिंदी में क्या कहते हैं, षोडश ग्रेट स्टेट्स, षोडश महाजनपद, षोडश महाजनपद। 16 ग्रेट स्टेट का मतलब है षोडश महाजनपद। मोस्ट पावरफुल इनमें था मगध। अमंग देम मगध एम्पायर वॉज मोस्ट पावरफुल। 16 ग्रेट स्टेट्स में, षोडश महाजनपद में सबसे पावरफुल वॉज मगध, सबसे पावरफुल यही था। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है जब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे टॉपिक। अभी तो क्रोनोलॉजी बता रहा हूं मैं, अभी मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं किस तरह से टाइम बदला है, समरी एक तरीके से। तो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय था उसमें पॉलिटिकल बदलाव आना शुरू हुए और रिलीजियस चेंजेस शुरू हुए। तो स्टेट फॉर्मेशन कंसेप्ट आया, स्टेट फॉर्मेशन किंगडम बनने लगे, 16 ग्रेट स्टेट बने थे, सबसे पावरफुल बन के उभरा मगध। तो स्टेट्स हुआ करते थे जैसे कौशल था, अवंती था, उसके अलावा आपका मगध था, वज्जी महासभाएं ग्रुप था, ऐसे 16 ग्रुप बने थे टोटल, सबसे पावरफुल था मगध। एम्पायर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा साम्राज्य, उस एम्पायर के अंदर कई सारी डायनेस्टीज होती हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे देखो मगध एम्पायर में ये डायनेस्टी रही, ये डायनेस्टी रही, तो कंफ्यूजन ना हो। एम्पायर एक बड़ी टर्म है, उसमें कई डायनेस्टीज का टाइम देखा। जैसे मैं आपसे मगध एम्पायर की बात करूं, मगध एम्पायर में ही कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई, एम्पायर के अंदर आती है डायनेस्टीज। हिंदी में मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य ने कई राजाओं का काल देखा, कई राजाओं का समय देखा, मतलब ये है। तो मगध एम्पायर में कई सारी डायनेस्टीज जिन्होंने रूल किया, कुछ के नाम मैं बता रहा हूं, है कई सारी, कुछ के नाम मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हिरण्यक डायनेस्टी, बिंबिसार नाम का राजा हुआ करता था, जो वर्धमान महावीर की जो फैमिली थी उनसे रिलेटिव थे आपस में। वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24 तीर्थांकर, जैन धर्म को जिन्होंने फ्लरिश किया, जैन धर्म के फाउंडर नहीं थे वो, पर जैन धर्म को प्रमोट उन्होंने किया, रियल फाउंडर कहा जाए तो वो है। ओरिजिनल ओरिजन उनसे नहीं है जैन धर्म का, पहले थे ऋषभदेव अयोध्या के, जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थांकर ऋषभदेव, पर उन लोगों ने प्रमोट उतना जैनिज्म को नहीं किया था जितना वर्धमान महावीर ने किया, जो कि 24 तीर्थांकर थे। और वर्धमान महावीर की फैमिली और हिरण्यक डायनेस्टी, मगध एम्पायर का जो राजा था बिंबिसार, वो दोनों फैमिली आपस में रिलेटिव थे जैनिज्म में, चलो बताऊंगा मैं। तो हिरण्यक डायनेस्टी मतलब मगध एम्पायर में हम पढ़ेंगे हिरण्यक डायनेस्टी, हिरण्यक वंश के बारे में, डायनेस्टी का क्या मतलब है उस वंश के बारे में पढ़ेंगे। हिरण्यक डायनेस्टी के बाद और भी थे, और भी कुछ डायनेस्टी आई हैं, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिख रहा हूं। जैसे एक आपने सुना होगा नंद डायनेस्टी, चाणक्य वाली कहानी। नंद डायनेस्टी को बनाया तो था महापद्मनंद नाम के राजा थे, इसके फाउंडर थे महापद्मनंद, उनका बेटा था धनानंद। धनानंद जो उस समय काफी पावरफुल था, धनानंद ने एक टीचर की बेइज्जती कर दी, तक्षशिला में पढ़ाया करते थे चाणक्य। चाणक्य का एक्चुअल नाम चाणक्य नहीं है, वो उनके फादर का नाम चाणक था, उनके फादर के नाम से चाणक्य वर्ड आता है। उनका एक्चुअल नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी उन्हीं को बोलते हैं, वाइस पर्सन, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए कौटिल्य उनको कहा गया। तो कौटिल्य या चाणक, ये तो टाइटल के तौर पर जैसे फादर के नाम पर, या विद्वान व्यक्ति थे इसलिए कौटिल्य कह दिया, एक्चुअल नेम वॉज विष्णुगुप्त। चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त, तक्षशिला में पढ़ाया करते थे, विष्णुगुप्त उनका नाम था, पर उनको चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी बहुत पॉपुलर बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का इंग्लिश मीनिंग होता है इकोनॉमी, बट अर्थशास्त्र बुक वॉज बेस्ड ऑन पॉलिटी,
पॉलिटी के ऊपर वो बेस्ड है, उस पर उन्होंने एक 7 रूल बताए हैं कि एक किंग को किस तरह से अपने स्टेट को चलाना चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए। 7 पिलर्स कौन कौन से हैं एक गुड सिस्टम चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए किंग को क्या क्या चाहिए। अर्थशास्त्र में उन्होंने स्टेट क्राफ्ट की बात की है, राज्य को कैसे चलाए राजा, क्या क्या उसके लिए उसको जरूरत है, मित्र होना चाहिए, कोष होना चाहिए, ये 7 पॉइंट बताए हैं, आगे आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र किस पे बेस्ड है। पॉलिटी की बुक है, अर्थशास्त्र का मीनिंग इकोनॉमी होता है इंग्लिश में, बट वो बुक पॉलिटी की बुक है जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है कि राजा अपने शासन को कैसे चलाए, वो 7 क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजों की उसको जरूरत होगी जिससे उसका सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो धनानंद वो राजा था, नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंद, उनका बेटा धनानंद, धनानंद जिसने तक्षशिला के एक टीचर जो धनानंद के दरबार में आए चाणक्य विष्णुगुप्त, उनकी बेइज्जती कर दी। तो विष्णुगुप्त ने अपने केश खोल दिए और प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं धनानंद को खत्म नहीं कर दूंगा मैं अपने केश नहीं बांधूंगा। तो चाणक्य ने एक बच्चे को पिक कर लिया, वो रास्ते से जा रहे थे, कुछ बच्चे कोई गेम खेल रहे थे, तो एक बच्चा एक पत्थर के ऊपर बैठकर, एक रॉक के ऊपर बैठकर कोई डिसीजन दे रहा था, वो किंग का रोल प्ले कर रहा था। तो चाणक्य उस गेम को विजुलाइज कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को पिक कर लिया कि ये बिल्कुल सूटेबल पर्सन है, ये सूटेबल है बिल्कुल मेरे रोल के लिए और धनानंद को हराने के लिए। तो कुछ बच्चे कुछ गेम खेल रहे थे, रॉक पर बैठा हुआ एक बच्चा जो एक किंग का रोल प्ले कर रहा था, कुछ डिसीजन दे रहा था, कुछ निर्णय न्याय दे रहा था, गेम का पार्ट था। तो चाणक्य उसको ऑब्जर्व करने लगे, उस बच्चे को पिक कर लिया कि यही होगा जो धनानंद को आगे रिप्लेस करेगा, वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य था। तो धनानंद नंद डायनेस्टी को हटाकर फिर आ गई थी चाणक्य की मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य में भी मौर्य जो वर्ड है उनकी मदर के नाम पे है, मदर का नाम था मुरा, चंद्रगुप्त मौर्य की मदर का नाम था मुरा, मुरा वर्ड से मौर्य आया है। तो मौर्य डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद आई थी मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद कई सारी फॉरेन डायनेस्टीज भी आई थी, इसके बाद कई सारी फॉरेन डायनेस्टीज भी रही हैं, फॉरेन डायनेस्टी विदेशी लोग भी, मगध एम्पायर बाद में फॉरेन डायनेस्टीज के कंट्रोल में भी रहा, मगध जो है बाद में फॉरेन डायनेस्टीज के कंट्रोल में भी रहा। तो कुछ मैंने नाम लिखे हैं, बीच बीच में और भी कुछ डायनेस्टीज आई, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हरण्य, नंद, मौर्य, फॉरेन डायनेस्टी, कुछ चर्चा मैंने इसमें बताई आपको। जैसे नंद डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, ये रूल किए हैं अराउंड तकरीबन 343 बीसी में आए और 321 बीसी तक रहे। मौर्य डायनेस्टी रही है लगभग 321 बीसी से लेकर 321 बीसी से लेकर ये अराउंड 185 बीसी तक रहे हैं। मौर्य डायनेस्टी 321 से लेकर 185 बीसी तक रही है। इसका एक लास्ट रूलर हुआ करता था बृहद्रथ, उसी के कमांडर पुष्यमित्र सुंग ने उसको मार दिया था, मौर्य डायनेस्टी वहां खत्म हो गई थी। उसके बाद फॉरेन डायनेस्टीज यहां पर रही हैं। फॉरेन डायनेस्टीज का टाइम आप मान के चले 250 AD तक, 250 AD, अब बीसी के से निकल के एडी तक का जो टाइम, 250 AD तक का टाइम जो है फॉरेन डायनेस्टीज का कंट्रोल में रहा है ये। 250 AD मतलब 150 से शुरू होकर लगभग 250 AD के आसपास, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता लगेगी पर रफली अगर मैं बताऊं फॉरेन डायनेस्टीज का टाइम रहा है 150 AD से लेकर अराउंड 250 AD तक, एडी नहीं है, बीसी से एडी तक। सुंग डायनेस्टी भी रही है, मौर्य डायनेस्टी के बाद आई थी सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंगा के कंट्रोल में चला गया था, पुष्यमित्र सुंगा ने ही मौर्य डायनेस्टी के लास्ट राजा को मार डाला था, पुष्यमित्र सुंगा ने ही लास्ट जो राजा था मौर्य डायनेस्टी का उसको मार दिया था, बृहद्रथ उसका नाम था। तो फिर फॉरेन डायनेस्टीज रही है कुछ समय, तो मगध एम्पायर सबसे पावरफुल, ये सब राजाओं का समय देखा इन्होंने, ये नोट कर लो, करना है फिर आगे बढ़े। डेट अभी मैं बस आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि किस किस समय क्या घटनाएं घटी हैं, ताकि जब पढ़ाऊं तो कुछ समझ आए, जब पढ़ाया जाए तो थोड़ा बहुत पल्ले पड़े आपको।
नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे टाइप के चेंजेस क्या हो रहे थे? रिलीजियस चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे और रिलीजियस चेंजेस हो रहे थे। रिलीजियस चेंजेस क्यों? जो लोग पूजा पाठ वगैरह कराते, यज्ञ वगैरह कराते थे, प्रीस्ट, वो अपने आप को सबसे ऊपर कर लिए थे कि हमारे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो रिलीजियस चेंजेस, रिलीजियन हड़प्पन के समय में बात नहीं थी, ये जो बाद में चेंजेस हुए हैं, जो प्रीस्ट थे वो कहते थे कि हम यज्ञ कराएंगे और हम बताएंगे राजा, मतलब हम अपना यज्ञ कराएंगे तो राजा जो उससे प्रोटेक्ट रहेगा, मतलब गॉड से हमारा कनेक्शन है तो हमारे एडवाइस के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो कभी भी आप देखो तो प्रीस्ट वगैरह जो हुआ करते थे उस समय, जो राजा, जो पंडित वगैरह हुआ करते थे, सबसे ऊपर स्थान उन्होंने खुद ही कर लिया। सेकेंड नंबर पर रख दिया क्षत्रिय को कि तुम जाके युद्ध लड़ो और मर जाओ, तुम जाकर वॉर करो और कम उम्र में ही मर जाओ युद्ध लड़ के। और प्रीस्ट क्या करते थे? यज्ञ कराते थे, दान दक्षिणा मिलता था, वो रिच होते जाते थे और वो अपनी लाइफ स्मूथली, युद्ध तो लड़ नहीं रहे हैं, और जो क्षत्रिय था वो जाके युद्ध लड़े, जो वैश्य है वो व्यापार करे, और शूद्र, एक्चुअल में तो ऐसा डिवीजन जो वर्ल्ड व्यवस्था का सिस्टम है, ये काम के आधार पर था, ऊंच नीच जैसी चीज नहीं थी, ये बाद में हायरार्की बना दी, ये सोशल एविल की तरह था कि बाद में लोगों ने इसमें गलतियां कर दी, शुरू में इस तरह का नहीं था। शूद्र को अपने आप ही इन्होंने नीचे बना दिया। तो जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन था, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपको ये रिलीजन के बारे में और समझना हो तो बुद्धिज्म जैनिज्म का जो लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो देखने, 6 lectures, उसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से चेंजेस हुए। तो वैश्य लोग जो थे वो कट ऑफ होने लगे कि ऐसा रिलीजन चूज करें जहाँ हमारी बात, हमें फायदा हो, अभी जो रिलीजियन है उसमें हमें लॉस होता है, व्यापार में दिक्कत आती है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई ऑप्शन मिल जाए जिसमें हम चले जाएं। तो बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे कई रिलीजियन यहाँ पर शुरू हुए, तो रिलीजियस चेंजेस होना शुरू हुए, एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धिज्म जैनिज्म, रिलीजियस चेंजेस हुए, तो राइज ऑफ न्यू रिलीजियंस, अपने कंफर्ट के हिसाब से जिसको नए रिलीजियन में ज्यादा लिबर्टी मिली, ज्यादा बेनिफिट लगे, वो उस तरफ चला गया। राइज ऑफ न्यू रिलीजियंस, एग्जाम्पल के लिए बुद्धिज्म जैनिज्म, कई रिलीजियन बने थे, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म जैनिज्म, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कई रिलीजियन बने थे, सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म से भी ज्यादा फैला था, अगर लेक्चर देखे होगे, मैंने रीजन बताया था इसका, बुद्धिज्म जैनिज्म से भी ज्यादा फैला और क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गया, दोनों कारण बताए थे मैंने। क्या कारण था कि बुद्धिज्म बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फैला और जहां इंडिया से ओरिजिन हुआ वहीं पर खत्म हो गया, खत्म मतलब बहुत ज्यादा, अब देखो कि कम हो गया, जिस तरह से बुद्धिज्म भारत में था, आज भारत में ही कुछ कुछ जगह बस रह गया, मैक्सिमम जगह खत्म ही हो गया। ठीक है, तो नए रिलीजियन बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब धर्म बने। बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद फिर मैंने बताया आपको मौर्य एम्पायर वगैरह का समय बताया, फॉरेन डायनेस्टी को आप पोस्ट मौर्य भी नोट कर लो, एक वर्ड
मौर्य डायनेस्टी के बाद अगर पोस्ट मौर्य वर्ड आए तो फॉरन डायनेस्टी की हम बात करेंगे। पोस्ट मौर्य का क्या मतलब, मौर्य डायनेस्टी के बाद जो आया पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, इस नाम से ही पढ़ेंगे तो फॉरन डायनेस्टीज के बात करेंगे। इंडो ग्रीक वगैरह आए, इंडो ग्रीक वगैरह जो आए पार्थियन इंडो ग्रीक, तो फॉरन डायनेस्टी लगभग 250 एडी तक ये रूल किए हैं। अब 250 एडी के बाद फिर कौन आया, फिर आया गुप्त काल। गुप्त काल जिसमें चंद्रगुप्त, एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों अलग अलग हैं, मिक्स नहीं करिएगा, दोनों अलग अलग। तो गुप्त एम्पायर जो चला है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, मगध एम्पायर सबसे पावरफुल था, हरण्यक नंद मौर्य फॉरन डायनेस्टी 250 एडी तक चली है फॉरन डायनेस्टी। कई सारे विदेश से जो लोग जो आए वो इस्टेब्लिश हुए, और इसी बीच में 500-400 वाला टाइम जो है उसी समय बुद्धिज्म जैनिज्म बन गया था, बुद्धिज्म जैनिज्म बना था। इसके बाद फिर आया गुप्त काल 319 एडी से लेकर 550 एडी, फिर आया है गुप्त एम्पायर, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य। गुप्त गुप्त एम्पायर जो है ये 319 एडी से लेकर 550 एडी तक रहा है। अब दो राजा और इनके नाम में कंफ्यूजन होती है, एक है चंद्रगुप्त मौर्य और एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोनों अलग हैं। पहले ही क्लैरिटी रखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बीसी के टाइम में है, जो मैंने यहां आपको बताया मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। मौर्य डायनेस्टी में ही पढ़ोगे वो सब, मौर्य डायनेस्टी में फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। अशोक जो रूल किया था वो मौर्य डायनेस्टी का ही था। एक दूसरा राजा उज्जैन का राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो गुप्त साम्राज्य की बात है, दोनों अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वहां है बीसी में मौर्य डायनेस्टी में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो यहां पर है। तो यहां आप नाम सुनोगे स्कंदगुप्त एक राजा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक राजा है, समुद्रगुप्त नाम सुना होगा आपने, ठीक है, श्रीगुप्त नाम सुना होगा, तो स्कंदगुप्त श्रीगुप्त, या आप इसमें सुनोगे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम नहीं होता था, राजा एज अ टाइटल यूज करता था, खुद को सन से कंपैरिजन करता था। विक्रमादित्य एक टाइटल की तरह राजा यूज करते थे, कई किंग्स के नेम में विक्रमादित्य नाम आपको लिखा देखने को मिलता है। विक्रमादित्य वॉज यूज एज अ टाइटल, किंग जो है रूलर जो है वो खुद को कंपेयर करता था सन से, सूर्य से कंपैरिजन करता था अपना। तो विक्रम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, सन के लिए। आदित्य, आदित्य वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, सन के लिए। विक्रम आदित्य, विक्रम मतलब किंग हो गया और आदित्य मतलब हो गया सन, तो अपना कंपैरिजन राजा सूर्य से करता था। आदित्य वर्ड जो है सूर्य के लिए बताता है, सूर्य, सन जो है उसी का पर्यायवाची है ना आदित्य, तो विक्रमादित्य एक टाइटल की तरह राजा यूज करता था। आदित्य मतलब सन से खुद को कंपेयर करता था। तो कई राजाओं के नाम में विक्रमादित्य देखने को मिलता है, वो नेम नहीं है, वो एज टाइटल यूज करते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो आप यहीं पढ़ोगे, समुद्रगुप्त यहाँ पर पढ़ोगे, स्कंदगुप्त आएगा, ये सब नाम आप इसमें सुनेंगे गुप्त एम्पायर में। इसके बाद फिर आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड 550 एडी से लेकर 750 एडी तक, फिर आप पढ़ेंगे पोस्ट गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्त पीरियड में ही एक टाइम आता है, एक राजा का नाम आपने सुना होगा हर्षवर्धन, जो 606 से लेके 647 तक रहा। इसी टाइम ड्यूरेशन में आप एक राजा का नाम सुनेंगे 606 एडी से लेकर 647 एडी तक रहा हर्षवर्धन। एक राजा था हर्षवर्धन जिसकी कैपिटल हुआ करती थी कन्नौज, कन्नौज यूपी, इत्र के लिए बड़ा फेमस है ना। तो 606 एडी से लेकर 647 एडी तक राजा हुआ हर्षवर्धन, कैपिटल थी कन्नौज।
आज के टाइम कहाँ पड़ेगा? यूपी में, कन्नौज यूपी। तो अभी तक हम पहुंच गए 750 एडी तक, पोस्ट गुप्त पीरियड। हर्षवर्धन की डेथ जब हो गई तो कन्नौज पे कब्जे को लेकर तीन पार्टी के बीच में स्ट्रगल हो गया। जब इसकी डेथ हो गई हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद कन्नौज पे कब्जे को लेकर तीन पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट था। कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। तो 750 AD से 1000 AD थ्री पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, थ्री पार्टी स्ट्रगल शुरू हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया। किसके लिए? थ्री पार्टी स्ट्रगल किस चीज के लिए? रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन ऑफ कन्नौज, कन्नौज को ऑक्यूपाई करने के लिए। थ्री पार्टी स्ट्रगल किसके लिए हुआ था? फॉर ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपेशन ऑफ कन्नौज, कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई, कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। कौन कौन सी तीन पार्टी थी? एक थे गुज्जर प्रतिहार पश्चिमी भारत के, गुज्जर प्रतिहार ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पाल डायनेस्टी, पाल राजा बंगाल में हुआ करते थे, पाल ऑफ बंगाल। और साउथ इंडिया में डक्कन क्षेत्र के हुआ करते थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट ऑफ डक्कन, डक्कन मतलब साउथ इंडिया के। डक्कन। तो त्रिपक्षीय संघर्ष, थ्री पार्टी स्ट्रगल कन्नौज पे कब्जे को लेकर, गुज्जर प्रतिहार नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, बंगाल के पाल और डक्कन के राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच कन्फ्लिक्ट चलता रहा कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई को लेकर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान दिल्ली इधर का क्षेत्र जो है, जो ये वाला एरिया है राजस्थान दिल्ली इधर की बेल्ट। या चाहे तो अगर उस समय के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, नॉर्थ उस समय क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, आप इसको वेस्ट इंडिया लिख लो उस टाइम के हिसाब से, आप चाहे तो वेस्ट इंडिया लिख लो, गुज्जर प्रतिहार ऑफ वेस्ट इंडिया लिख लीजिए। तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कोई वर्ड यूज करे तो आप समझ जाइए राजस्थान दिल्ली ये सब जो पोर्शन है इधरी की बात कर रहे हैं, राजस्थान दिल्ली वगैरह का जो एरिया है यहीं की बात कर रहे हैं। तो गुज्जर प्रतिहार, पाल बंगाल के और राष्ट्रकूट डक्कन के, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई। अब आता है 1000 AD में। अच्छा ये टाइम भी देखो, मेडिवल इंडिया का पार्ट है ये 750 AD, मैंने आपको बताया था ये टाइम है मेडिवल इंडिया का, जब हम पढ़ेंगे तो मेडिवल इंडिया यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा मेडिवल इंडिया। वन थाउजेंड एडी में अफगानिस्तान में एक जगह गजनी, वहां से आया महमूद। गजनी वो प्लेस है अफगानिस्तान में जहां से आया था महमूद। 17 टाइम्स उसने प्लंडरिंग की इंडिया में, लूटपाट के लिए अटैक किया, 17 टाइम्स उसने इंडिया में लूटपाट के लिए अटैक किया। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर लूटा और 1030 में उसकी डेथ हो गई। व्हाट्सएप वगैरह में क्या लोग बताते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर दी थी, 17 बार लड़ाई हुई थी गजनी से, 17 बार गजनी से लड़े थे और 17 बार में उसको छोड़ दिया था। दोनों अलग कहानी है। पृथ्वीराज का जो एनिमी था वो मोहम्मद गौरी था, उनके और पृथ्वीराज के बीच में दो युद्ध हुए थे,
पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी वो अलग कहानी है, महमूद ऑफ गजनी अलग है, मिक्स नहीं करना है। हिस्ट्री अगर नहीं जानेंगे तो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ होता है। पता लगा गांधी जी को लड़वा देंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक। तो टाइम फ्रेम जानना जरूरी है। महमूद ऑफ गजनी 1000 AD में उसने इंडिया में आना शुरू किया और 17 टाइम्स उसने प्लंडरिंग के लिए इंडिया में अटैक किया था, इंडिया को लूटने के लिए, लुटेरा था। तो 1025 में उसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था और 1030 में उसकी डेथ हो गई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की जो कहानी है वो 1190s की बात है, 1190s की बात है। अरब इन्वेजन वगैरह आगे बताऊंगा वकार, मोहम्मद कासिम का जिक्र जो कर रहे हो, अरब इन्वेजन की बात करो, सब चर्चा होगी। बस अभी मैं आपको मेन कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि बस ये पता लग जाए कि कौन सी चीज एक समरी बन जाए दिमाग में, कौन सी चीज कब की है। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी रहे। अरब इन्वेजन वगैरह सब आएगा, मेडिवल इंडिया पढ़ा थोड़ी रहा हूं, अभी तो समरी बता रहा हूं मैं, फ्लो कैसे चलेगा टॉपिक का। तो 1080 AD में आता है महमूद ऑफ गजनी। अफगानिस्तान में छोटा सा गांव है गजनी, लुटेरा था ये। तो 1000 AD में महमूद ऑफ गजनी came to India for plundering, लूटपाट के लिए। अब अफगानिस्तान का था तो अफगानिस्तान में तो इतना कोई रिच वो था नहीं, और अफगानिस्तान में शुरू से ट्राइबल कल्चर रहा है। अफगानिस्तान में बड़ी मुश्किल से कुछ समय पहले गवर्नमेंट बनी थी, पर इतिहास उठा के देखोगे अफगानिस्तान ज्यादातर ट्राइबल उसमें ही रहा है, ग्रुप्स में बटा रहा है, ठीक है, कोई एक कम्युनिटी के नाम पर नहीं था, अलग अलग ट्राइब्स वहां रहती थी और योद्धा वारियर ट्राइब रही है शुरू से। तो वहां तो ज्यादा कोई रिसोर्सेस थे नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, जहां पर भी रिच लोग थे वहां अटैक करते थे। पर इंडिया उस समय बहुत रिच एम्पायर था, इंडिया काफी रिच था, तो अफगानिस्तान से बार बार अटैक के भी रीजन यही थे। अफगानिस्तान की तरफ से बार बार अटैक क्यों होते थे, क्योंकि इंडिया में वेल्थ थी, टेम्पल्स वगैरह में बहुत वेल्थ थी अपने यहाँ, राजा महाराजा टेम्पल बनवाते थे वेल्थ को छुपाने के लिए, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है, वहां से आया महमूद प्लंडरिंग के लिए, लूटपाट के लिए। 17 टाइम्स ही अटैक्ड इंडिया, ही अटैक्ड 17 टाइम्स, ही अटैक्ड 17 टाइम्स फॉर प्लंडरिंग, 17 बार आक्रमण किया था लूटपाट के लिए। 1025 AD ही लूटेड सोमनाथ टेम्पल गुजरात, और 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। 1030 ही डाइड, 1030 में इसकी डेथ हो जाती है महमूद। और मोहम्मद गौरी वो 1175 में इंडिया आया है और 1206 में उसकी डेथ हुई है। मोहम्मद गौरी जो आया है वो भी अफगानिस्तान से आया, वो 1175 का टाइम है, 1175 AD में आया और 1206 में उसकी डेथ हो गई थी। पर उसने डेथ से पहले नॉर्दर्न इंडिया कब्जा किया था काफी हिस्सा, उसकी राइवलरी थी पृथ्वीराज से। 1175 AD से 1206 AD, 1175 से लेके 1206 AD, ये टाइम था मोहम्मद गौरी ये इसका टाइम था, और इसने नॉर्थ इंडिया कैप्चर किया था, पृथ्वीराज से दुश्मनी इसकी थी। गौरी और पृथ्वीराज में ओनली दो युद्ध हुए थे, पहला था 1191 का फर्स्ट बैटल ऑफ तराई का पहला युद्ध 1191 में था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। एक और वॉर उससे पहले हो सकती थी, पर जब तक पृथ्वीराज वहां पहुंचा मोहम्मद गौरी जा चुका था। एक युद्ध और मैं बताऊंगा कि पृथ्वीराज को पता चला किसने अटैक किया है, जब तक वो पहुंचा तब तक ये निकल गया था। प्रॉपर वॉर अगर कहें तो 1191 में पहला युद्ध हुआ था
फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, और अगले ही साल पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया था पहले वाले में। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को हराया पर मारा नहीं। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराई, गौरी ने भी पृथ्वीराज को हराया पर मारा नहीं, दोनों ने एक दूसरे को मारा नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191, पृथ्वीराज डिफीटेड गौरी पर उसको नहीं मारा। 1192 में गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज, ठीक है। तो राजपूतों का काफी एरिया, पृथ्वीराज जब हार गए 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराई में, उसके बाद 1194 में जयचंद जो पृथ्वीराज के साथ नहीं लड़े थे, 1192 पृथ्वीराज जो हारे थे, जयचंद साथ में नहीं थे, उनकी भी अपनी एक अलग कहानी है दोनों की, क्यों डिफरेंसेस थे, साथ में क्यों नहीं थे। तो 1194 में जयचंद को भी हरा दिया था, नॉर्दर्न इंडिया काफी इसने कब्जा कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी कैप्चर्ड नॉर्थ इंडिया, इसने नॉर्थ इंडिया कब्जा कर लिया था गौरी ने। 1206 में ये वापस अफगानिस्तान जा रहा था और यहां पर बैठा गया था अपने एक स्लेव को, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का ही स्लेव था, वो दास था। तो मोहम्मद गौरी अपने ही एक स्लेव को बैठाकर अफगानिस्तान जा रहा था, रास्ते में ही लुटेरों ने उसको मर्डर कर दिया। डेजर्ट एरिया जब क्रॉस कर रहा था, लुटेरों ने ही गौरी को मार डाला रास्ते में, यहां पर वो अपने स्लेव को बैठा के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो 1206 से लेकर 1210 चार साल बस जिंदा रहा और हॉर्स के ऊपर बैठ के पोलो खेल रहा था। एक गेम होता था चौगन, एक गेम होता था उसको कहते थे चौगन कहते थे। तो चौगन नाम का एक गेम, हॉर्स पोलो, बेसिकली हॉर्स के ऊपर बैठ के पोलो खेल रहा था, हॉर्स से गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा रूल किया नहीं, मोहम्मद गौरी का स्लेव था और ज्यादा वो रूल नहीं किया, वो चौगन खेलते हुए अपने हॉर्स से गिरा, उसकी डेथ हो गई। तो स्लेव डायनेस्टी, मतलब गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा के गया था, वहीं से शुरू हो जाती है स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत जो एक बहुत लंबा टाइम चला है, उसमें कई डायनेस्टी आई, उसी में एक स्लेव डायनेस्टी भी है। दिल्ली सल्तनत में ही कई डायनेस्टीज का टाइम रहा है, उसमें एक स्लेव डायनेस्टी भी है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू हो जाता है और ये 1526 मुगल के आने तक चला। दिल्ली सल्तनत बोलते हैं इसको। तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी भी रही, स्लेव डायनेस्टी भी रही, फिर इसमें खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, कई राजा, कई वंश इसमें रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में लंबा चलेगा टॉपिक, दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 तक चला है। 1526 में मुगल आ गए थे, फिर 1526 में बाबर ने मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत में कुछ डायनेस्टी जो हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें बताऊंगा मैं आपको, स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर आप इसमें खिलजी डायनेस्टी पढ़ोगे, खिलजी डायनेस्टी पढ़ोगे, तुगलक डायनेस्टी पढ़ोगे, और छोटी छोटी एक आठ डायनेस्टी और भी इसमें देखेंगे। मेन तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, तीन डायनेस्टी ये देखेंगे। इसके बाद एक आध जगह सैयद डायनेस्टी वगैरह का भी जिक्र करूंगा मैं। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है 1526 में। 1526 रूल कर रहा था आगरा में इब्राहिम लोदी, 1526 आगरा में रूल कर रहा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा जो था, वो था तो गवर्नर, उसी के अंडर में गवर्नर की तरह काम कर रहा था। उसने उज्बेकिस्तान में फरघना एक जगह है, तो वहां बाबर था, बाबर वहीं का, बाबर कहाँ का था, फरघना उज्बेकिस्तान में था। बाबर का नेटिव कंट्री कौन सा है, बाबर उज्बेकिस्तान का था, फरघना का। बाबर जो था ये था फरघना उज्बेकिस्तान। तो इब्राहिम लोदी यहाँ रूल कर रहा था और इब्राहिम लोदी को इनवाइट किया, इब्राहिम लोदी यहाँ पर रूल कर रहा था और इब्राहिम लोदी से कॉन्स्पिरेसी करके, धोखा करके, उसके चाचा दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि आ जाओ और ये कमजोर शासक है, इसको हरा दो और मुझे भी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल जाएगी, लालच में। तो
तो इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान लोदी, उसने इसको इन्वाइट किया बाबर को। तो ये 1526 में गन पाउडर कैनन यही लाया था इंडिया में, तोप वोप का इस्तेमाल सबसे पहले इसी ने किया था, गन पाउडर या कैनन वगैरह का इस्तेमाल युद्ध में पहले इसी ने शुरू किया था। और ये 1526 में आता है इंडिया, इब्राहिम लोदी को हरा देता है और शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर। 1526 बाबर जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है 1526 एडी, यहां से लेके औरंगजेब की डेथ तक, यहां से औरंगजेब की डेथ तक ये हो जाता है मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर 1526 में बाबर के आने से। बाबर यहां पर किसने स्थापित किया मुगल वंश को, इस्टेब्लिश्ड बाय बाबर, और ये लोग मंगोल वंशज हैं। ये किसकी फैमिली से आते हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोलियंस। मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोलियंस। मंगोलियन के ही फैमिली से आते हैं सब, उसी वंश से हैं। तो 1526 में बाबर इंडिया आया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, यहां से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, और औरंगजेब की डेथ 1707 में होती है, यहां तक मुगल एम्पायर। मुगल किसके डिसेंडेंट थे, मंगोलियन के डिसेंडेंट थे। मंगोलियन में कोई फेमस वॉरियर रहा हो, कोई बड़ा नाम आपको पता हो दुनिया में, बहुत हिस्सा जीता हो जिसने, इसके एग्जाम्पल हैं तैमूर लेम, एक पैर में उसके प्रॉब्लम थी तो तैमूर लेम बोलते हैं उसको, तैमूर, और एक था चंगेज खान। चंगेज खान मंगोल में दो एग्जाम्पल मेन जो वॉरियर रहे, तैमूर चंगेज। तो तैमूर और चंगेज खान मुगल एम्पायर। क्लियर है? तो मुगल एम्पायर, मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ मंगोलियंस, मंगोल में एग्जाम्पल तैमूर चंगेज खान। तो इब्राहिम लोदी को हराकर, जैसे तुगलक डायनेस्टी पढ़ोगे फिर इसमें लोदी डायनेस्टी भी यहीं पर आएगा, भाई दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि लोदी कहाँ से आ गए, तो दिल्ली सल्तनत में ही लोदी डायनेस्टी भी है। दिल्ली पहले कैपिटल हुआ करती थी, इन लोगों ने दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था, लोदी डायनेस्टी के टाइम पर ही दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी कैपिटल। और 1526 में बाबर आया इंडिया, इब्राहिम लोदी को मार दिया, और औरंगजेब तक चला है मुगल एम्पायर। मुगल मंगोल फैमिली के ही थे, मंगोल फैमिली के और एग्जाम्पल तैमूर चंगेज खान। तो आगे 1707 एडी तक हम आ गए। दूसरी तरफ यूरोपियंस जो इंडिया में आए, यूरोपियंस का जो इंडिया में आना जारी रहा, 1498 सबसे पहले आया था वास्को डिगामा, सबसे पहले आया वास्को डिगामा। तो इंडिया में ब्रिटिश भी आए, पोर्चुगीज भी आए, फ्रेंच भी आए, डच लोग भी आए, इंडिया में कई सारी यूरोपियन कंपनीज आई हैं, व्यापार करने आए थे, और लोग तो व्यापार करने आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार करते करते कब्जा करने का उनका वो था इंटेंशन, उनकी जो इंटेंशन थी वो ट्रेड करते करते कब्जा करने की। इसके बाद 1498 से लेकर 1757 की बात करें, मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडिया की बात करें, 1498 में तो आया था वास्को डिगामा, यूरोपियन कंपनीज इस दौरान आई हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज
1498 में वास्को डगामा, ये था पोर्चुगीज, पुर्तगाल का वास्को डगामा, ज्योग्राफी में बताया था मैंने, इसने इंडिया नहीं खोजा था, यूरोप से इंडिया का सी रूट खोजा था। वास्को डगामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया, ये पहुंचा था कालीकट, कालीकट केरल पहुंचा था। ही रीच्ड कालीकट वाया अफ्रीका के साउथ में पड़ता है केप ऑफ गुड होप। केप वगैरह ज्योग्राफी में क्या होते हैं बता रखा है मैंने, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होता हुआ आया था, ज्योग्राफी में इसका रूट वगैरह बताया था मैंने कैसे पहुंचा था। तो वास्को डगामा ये आया था, पोर्चुगीज ट्रेवलर था, व्यापारी था, तो सी रूट इंडिया तक का इसने खोजा था और कालीकट पहुंचा था केप ऑफ गुड होप से होता हुआ, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होता हुआ केरल पहुंचा था, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होता हुआ, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होता हुआ कालीकट पहुंचा था। कहां पे है कालीकट? केरल में। कालीकट कहां पे है? केरल में। वास्को डगामा था कौन? मर्चेंट था, व्यापारी था। इसकी डेथ भी इंडिया में ही हुई है, कोची में। वास्को डगामा डाइड इन कोची, केरल में ही डेथ भी हुई है इसकी, कोची में ही इसकी डेथ हुई थी केरल में। और जमोरिन रूलर हुआ करते थे, उन्होंने इसको वेलकम किया था। ही रीच्ड कालीकट वाया केप ऑफ गुड होप, जमोरिन रूलर वेलकम्ड हिम, इसका स्वागत किया था भारत में जमोरिन रूलर, जमोरिन रूलर वेलकम्ड हिम, जमोरिन शासकों ने स्वागत, जमोरिन रूलर ने स्वागत स्वागत किया था वास्को डगामा जब भारत आया। तो 1498 से लेकर 1757 तक तो यूरोपियन कंपनीज आते गए हैं। 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसकी डिफीट हो गई थी। यहां से अंग्रेजों की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कब्जा करने का उनका इंटेंशन है। 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था, उससे युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला का यहाँ पर हारना, ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटिशर्स ट्रेड करते करते अब उनका इंटेंशन कब्जा करने का है, अब ये जाने वाले नहीं है। और इसके बाद 100 ईयर्स के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा इंडिया कब्जा कर लिया। 1757 से 1857 के बीच इन्होंने पूरा इंडिया कब्जा कर लिया था 100 साल के अंदर। तो 1757 में सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो गई थी कि अब ये ट्रेड करते करते कब्जा करेंगे, अब ये जाने वाले नहीं है। सिराजुद्दौला ने कन्फ्रंट किया था पर उसके अपने ही लोगों ने लालच में धोखा दे दिया, अपने ही लोग उसके धोखा कर गए थे। इसके बाद 1757 से लेकर 1857 तक 100 ईयर्स के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड होल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड होल ऑफ इंडिया। इन 100 ईयर्स में इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में चला गया। ईयर आया 1857, 1857 जब हुआ 1857 रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, सिपाहियों का विद्रोह था ये, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको इस नाम से भी जाना जाता है सिपाही म्यूटिनी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर बंगाल। इमीडिएट रीजन क्या था? 1857 रिवोल्ट के कई कारण थे, अंग्रेजों की ऐसी नीतियां जो कई जगह अलग अलग लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, तो वो गुस्सा लोगों में बढ़ रहा था। पर इमीडिएट रीजन क्या था? उस समय इनफील्ड राइफल आई थी नई, इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती थी, कारतूस, वो एक अफवाह फैल गई, एक चर्चा फैल गई लोगों सोल्जर्स के बीच में
कि वो कार्ट्रिज को ऐसे दांत से छीलना पड़ता है, लोड करना पड़ता है तो दांत से छीलना पड़ता है, उसमें काओ और पिग की स्किन यूज हो रही है। इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज यूज हो रही है उसमें पिग और काओ का स्किन, उसमें मीट यूज हो रहा है। तो जो हिंदू लोग थे वो काओ की स्किन को दांत से नहीं कर सकते, जो इस्लामिक लोग थे वो पिक की स्किन को नहीं कर सकते, तो रिलीजियस सेंटिमेंट भी बीच में आ गया था। इमीडिएट रीजन ये था कि मंगल पांडे ने, ब्राह्मण था बैरकपुर छावनी में, उसने अपने ऑफिसर पे फायर किया, ऑफिसर बच गया पर मंगल पांडे को फांसी हो गई। ऐसी ही घटना मेरठ में घटी। तो ऐसे करते करते जो राजा थे वो भी परेशान थे अंग्रेजों से, क्योंकि राजाओं के ऊपर भी अंग्रेजों का कंट्रोल रखा था। तो ऐसे अलग अलग क्लस्टर में विद्रोह भड़क गया, पर ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ, सब एक साथ मिलकर लड़े हों ऐसा नहीं, अलग अलग ग्रुप्स में लड़ रहे थे, कंट्री के नाम पर यूनाइट होकर लड़े हों युद्ध के तौर पे हुआ ऐसा नहीं है। ये अलग अलग रिवोल्ट हुए क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में इकट्ठा यूनाइट होकर अंग्रेजों को चैलेंज नहीं दिया। यहाँ पर अगर यूनाइट होकर करते शायद पिक्चर बदलती, ठीक, तो यूनाइटेड तरीके से नहीं था, अलग अलग अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसको सप्रेस कर दिया था अंग्रेजों ने, इस पर ये पहला चैलेंज था एक तरीके से कहा जाए तो अंग्रेजों के लिए, इंडिया की तरफ से पहला चैलेंज था, जो उनकी मोनोपोली चल रही थी ये एक तरह से पहला चैलेंज था कंपनी को। अब ब्रिटेन को लगा, ब्रिटेन में जो रूल कर रहे थे वहां पे लगा कि अब तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, पब्लिक भड़क गई है, पब्लिक को लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने आई थी ये पूरा कंट्री कब्जा कर ले रही है, लोगों को गुलामी जैसी फीलिंग आने लग रही है। तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड से फिर एक चाल चली, उन्होंने फिर एक चाल चली। तो 1857 वाला रिवोल्ट क्या था, फर्स्ट ग्रेट चैलेंज, ये कोई वॉर तो नहीं थी, क्लस्टर्स में रिवोल्ट हुआ था अलग अलग, फर्स्ट ग्रेट चैलेंज टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहला बड़ा चैलेंज था ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर अंग्रेजों ने आसानी से सप्रेस कर लिया था, इसको दबा दिया था, कुचल दिया था। तो फर्स्ट ग्रेट चैलेंज टू ईस्ट इंडिया कंपनी, सिपाही म्यूटिनी 1857। अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट के जस्ट बाद एक कानून बना दिया 1858 में, उन्होंने कंपनी के रूल को खत्म कर दिया और कह दिया डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। 1858 में इंग्लैंड ने प्रस्ताव पास कर दिया और कह दिया डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन, सीधे सीधे क्राउन का रूल होगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। तो इंग्लैंड ने क्या कहा, हाँ हाँ कंपनी यहाँ गड़बड़ कर रही है, लोग नाराज चल रहे हैं, हम कंपनी को हटा देते हैं और अब हम देखेंगे सारी चीज, मतलब अपने ही चेले को हटाकर खुद सीधे आ जाना पिक्चर में, इंग्लैंड ने ये किया था। तो 1857 तक तो कंपनी में और यहाँ के कन्फ्लिक्ट चल रहा था, 1858 में कंपनी को किया साइडलाइन और सीधा ब्रिटिश शासन आ गया, क्राउन रूल। अब जो यहाँ पे आएंगे चलाने के लिए वाइस रॉय, गवर्नर जनरल, पहले पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, धीरे धीरे पोस्ट का नाम चेंज होकर बाद में वाइस रॉय हो गया था, वो ब्रिटिश लोग वही ब्रिटिश सिस्टम से ही आते थे वो, उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी सिस्टम को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, अब यहाँ क्राउन का रूल होगा, सीधे सीधे क्राउन जो भेजेगा वो लोग चलाएंगे। तो कंपनी के टाइम पे सिस्टम बना रखा था पर डायरेक्ट क्राउन इन्वॉल्व नहीं था, सिस्टम बना दिया था कंपनी के लिए भी, रूल रेगुलेशन बना दिए कि तुम्हारे यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक पोस्ट होगी जो इंग्लैंड में रिपोर्टिंग करेगा, एक सिस्टम बना तो रखा था इंग्लैंड से, पर कंपनी चला रही थी डायरेक्ट तौर पर, डायरेक्ट तौर पर कंपनी ही चला रही थी। 1858 में कह दिया अब कंपनी नहीं, अब ऑफिशियली हम ही भेजेंगे, हम ही चलाएंगे, अब कंपनी नहीं रूल करेगी, अब रूल करेंगे सीधा हम। अब यहाँ पे आ गया सीधा सीधा इनका शासन। तो इससे पहले जब कंपनी चल रही थी तो कंपनी के लिए भी रूल रेगुलेशन बना के भेजते थे अंग्रेज इंग्लैंड से कि ये पोस्ट होगी, तुम इसको इंग्लैंड में रिपोर्ट करोगे, नियम कायदे बना रखे थे। पर जब 1857 का रिवोल्ट हो गया, इनको लगा कि भड़क गई है पब्लिक, अब लोगों को कंसोल किया जाए, हम तुम्हारा वेलफेयर करेंगे, अब हम आएंगे पिक्चर में, तो सीधा सीधा क्राउन का रूल ला दिया और कंपनी के रूल को खत्म कर दिया। तो 1858 में सीधा सीधा ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है, 1858 में सीधा सीधा क्राउन का रूल भारत पर आ जाता है। और इन्होंने कुछ वेलफेयर वगैरह के काम भी किए उस समय, तो पब्लिक को लगा कि बड़े अच्छे लोग हैं। 1858 में जब ये आए तो इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए वेलफेयर ओरिएंटेड, लोगों को लगा बड़े अच्छे लोग हैं ये, तो हमारा बड़ा वेलफेयर करेंगे। अगर सन 1900 के आसपास तक कोई अंग्रेज चुनाव लड़ जाता और एक इंडियन चुनाव लड़ जाता, इंडिया का बड़ा लीडर चुनाव लड़ जाता, शायद इंडिया वाला हार जाता, ये जीत जाते, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया हुआ था कि हम तुम्हारा वेलफेयर करने आए हैं,
जबकि अंदर अंदर अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहे थे, इंडिया को खोखला कर रहे थे, एक तरफा ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ बेनिफिट ले रहे थे इंडिया से। इंडिया इनके लिए डायमंड की तरह था, क्योंकि ब्रिटेन की 50 से ज्यादा कॉलोनीज रही है जिन पर कब्जा रहा है। 1775 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका इनके हाथ से निकल गया था, इन्होंने अपना फोकस इंडिया पे शिफ्ट कर दिया था। इंडिया और चाइना, चाइना में तो कई कंट्री का रूल था अलग अलग हिस्सों में, पर इंडिया और चाइना का कुछ पार्ट ये इनके लिए डायमंड की तरह था कि अमेरिका तो हमारे हाथ से निकल गया, पर इंडिया और चाइना का जो कुछ पोर्शन है यहां से हम लगातार खींचेंगे, जो एक तरफा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड करेंगे, हमें सारा बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो 1858 में सीधा सीधा स्थापित हो जाता है क्राउन का रूल, क्राउन का रूल जो चलता है 1947 तक। डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन वॉज एस्टैब्लिश। And it was ended on 15th August 1947. तो क्राउन का सीधा सीधा शासन आ गया, 15 अगस्त 1947 को ये खत्म हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अभी मैं उत्तराखंड वाला सिलेबस देख रहा था, उन्होंने सिलेबस में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कुछ नहीं है वो टॉपिक इसी हिस्ट्री का ही पार्ट है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने टॉपिक लिख दिया सिलेबस में, उत्तराखंड वाले में देख रहा था मैं, तो अलग से कोई टॉपिक नहीं है वो। 1885 से लेकर 1947 तक की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो अब ये इतना समय क्राउन का रूल चला, तो फिर हम लोगों ने क्या प्रयास किए, 1885 से लेकर, उत्तराखंड वाले सिलेबस में जो लिखा है ना वो ये लिखा है, 1885 से 1947 तक चली है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसकी बात कर रहे हैं वो। तो वो कुछ नहीं है, मॉडर्न इंडिया में ही पढ़ना है हमें कि जब क्राउन का शासन चला तो 1885 से 1947 तक इंडिया में क्या क्या प्रयास हुए, कैसे आजादी मिली, हमारा संघर्ष क्या रहा, आजादी कैसे मिली हमें। तो 1885 से 1947 तक का टाइम पीरियड हमारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1885 में बनी थी कांग्रेस, कांग्रेस को बनाया था एक अंग्रेज व्यक्ति ने, एओ ह्यूम ने। तो कुछ ये मानते थे लीडर कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों ने अपने लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाई है, अपने बेनिफिट में बनाई है कि यहां पर कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए, कांग्रेस प्रोटेस्ट को पहले ही दबा दे, अपने लोगों को पहले ही समझा दे कि हम तो कांग्रेस हैं और इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए हैं, आप लोग ऐसा मत करिए। तो कुछ लोग, कुछ थिंकर मानते हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी वॉल के तौर पर बनाई थी कि यहीं के कुछ लोगों को मिला के बना दो जो यहाँ के प्रोटेस्ट वगैरह ना होने दें, 1857 जैसा कोई रिवोल्ट फिर से ना हो, इसलिए यहीं के लोगों की एक पार्टी बना दी ताकि लोगों को लगे कि ये हमारे लिए काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बात सही है गलत है, लाला लाजपत राय जैसे कुछ लीडर इस बात को मानते थे, सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं इसको, कि अंग्रेज अपने लिए सेफ्टी वॉल के तौर पे समझते थे कांग्रेस को, लाला लाजपत राय इस थ्योरी को मानते थे। तो 1885 में फ्रीडम स्ट्रगल जो है इसकी शुरुआत होती है, कांग्रेस पार्टी वॉज एस्टेब्लिश, पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश। तो फ्रीडम स्ट्रगल भी जो हमारी चली है कैसे चली है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, यहां से शुरुआत मानी जा रही है। जो 1885 से 1947 तक का ड्यूरेशन बता रहा हूं मैं, इंडिया का स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आजादी के संघर्ष जो चला है उसमें क्या, 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी में दो ग्रुप थे, सबसे पहला जो ग्रुप है उसे कहते हैं मॉडरेट लीडर का ग्रुप, मॉडरेट मतलब जो प्रेयर एंड पेटिशन की पॉलिटिक्स करते थे। ये 1885 से लेकर 1905 तक इनका मेन टाइम रहा है। ये लोग जैसे अंग्रेजों ने, अगर हम कोर एनालिसिस में जाएं तो इंडिया को 8 तरीके से गुलाम बनाया, उन्हीं की एजुकेशन, उन्हीं की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी भी उन्हीं का, हर चीज, मतलब 8 तरीके ऐसे थे जहां पे उन्होंने खुद की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर दी।
कि हम ही सुप्रीम है और उस चीज से हम आज तक नहीं निकल पाए। हमें भी हर चीज में लगता है उनके कपड़े, उनका पहनावा, उनकी पर्सनैलिटी। अरे हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, जब उन लोगों को सिविलाइजेशन के बारे में कुछ सी भी नहीं पता था, और वो इंडिया को सिखा रहे हैं सिविलाइजेशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में। इंडिया में जो टेम्पल्स वगैरह आप देखोगे, 3D स्ट्रक्चर उस जमाने में बनाए हुए हैं, वो भी हाथ से, जो आर्किटेक्चर के बारे में भी वो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट फेज, ये नरमपंथी नेता थे, ये कोई वायलेंट तरीके नहीं यूज करते थे अपनी डिमांड्स के लिए, ये क्या करते थे, पीसफुल तरीके से अपनी बात को रखना और प्रेयर एंड पेटिशन की पॉलिटिक्स करना कि आप माई बाप हैं, हमारे लिए भी ये होना चाहिए, हमारी बातों को सुना जाए। मास मूवमेंट वगैरह लोग नहीं करते थे। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उन्हीं के कहने पर गांधी जी इंडिया आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो मॉडरेट फेस जो है, नरमपंथी नेता, इनकी पॉलिटिक्स थी प्रेयर एंड पेटिशन की पॉलिटिक्स। तो जो 8 तरीके से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, ये नहीं समझ पाए उस ट्रैप को, ये सिर्फ 0.5 के ऊपर बात करते थे आजादी की, 7.5 ये समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेज अपनी ही एजुकेशन, अपनी ही टेक्नोलॉजी, हर चीज में सुप्रीमेसी कहते हैं। ये लोग भी ज्यादातर बाहर पढ़े हुए लोग थे, ज्यादातर लोग लॉयर थे जो ब्रिटेन से पढ़ के वकालत किए थे, तो एजुकेशन वगैरह में उन्हीं को सुप्रीम मानते थे, टेक्नोलॉजी भी उनकी चाहते थे। गांधी जी और टैगोर में भी डिफरेंसेस थे कुछ बातों को लेकर, गांधी जी हर चीज में इंडियन की बात करते थे, टैगोर टेक्नोलॉजी उनकी चाहते थे, दोनों ही बड़े बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। तो टैगोर और गांधी जी के भी कन्फ्लिक्ट वगैरह क्या रहे हैं, गांधी जी वाले टॉपिक में बताया हुआ है मैंने, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो 8 तरीके से गुलाम बनाया, मॉडरेट फेस खाली 0.5 पे बात करता था। इसके बाद आए कांग्रेस में ही एक लीडर्स का ग्रुप बन गया जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, गरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट फेस। ये गरमपंथी नेता जिन्होंने वायलेंट तरीके भी इस्तेमाल करना शुरू किए और मास मूवमेंट शुरू किए, एक्सट्रीमिस्ट फेस, ये चला है 1905 से लेकर 1917 तक। पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रह नहीं पाए क्योंकि 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों के बीच में वायलेंस हो गया था कांग्रेस के सूरत सेशन में, सूरत स्प्लिट हो गया था, सूरत स्प्लिट में ये दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए और वायलेंस हो गया था। वायलेंस के चार्जेस पर एक्सट्रीमिस्ट के जो बड़े नेता थे लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष, उनको पनिश किया गया, लाला लाजपत राय को जेल में डाल दिया था, लाला लाजपत राय जेल में डाल दिए गए थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय नहीं सॉरी बाल गंगाधर तिलक, दोबारा सुनो मैं बोल कुछ रहा था कह कुछ गया, मॉडरेट नेता बता दिए मैंने, एक्सट्रीमिस्ट फेज में 4 बड़े नेता लाल बाल पाल प्लस अरबिंदो घोष, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष चौथे। तो 4 बड़े नेता थे एक्सट्रीमिस्ट में। ये लोग 8 में से 4.5 चीजों की बात करते थे, 8 तरीके से जो हम गुलाम थे उसमें 4.5 के ऊपर ही डिमांड करते थे आजादी की। पूरी तरीके से ये भी नहीं समझ पाए, पूरी तरीके से इनको भी नहीं समझ आया अंग्रेजों ने क्या खेल खेला है। तो इसमें लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष, 4 बड़े नेता। 1907 में सूरत स्प्लिट की घटना हुई, 1907 में एक घटना हो गई सूरत स्प्लिट, जिसमें 2 पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गई, इन दोनों के बीच वायलेंस हो गया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। एक्सट्रीमिस्ट के जो नेता थे उनको पनिश किया गया, बाल गंगाधर तिलक जो सबसे बड़े नेता थे एक्सट्रीमिस्ट में, उनको जेल में डाल दिया गया, मांडले जेल बर्मा भेज दिया उनको, बर्मा भी उस समय ब्रिटिश के पास था, 1937 तक बर्मा जो आज म्यांमार है अंग्रेजों के पास था, 1937 तक बर्मा अंग्रेजों के पास रहा, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है, तो उनको भेज दिया था मांडले जेल बर्मा तिलक को। और लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल दोनों अमेरिका चले गए थे, बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया, बिपिन चंद्रपाल लाजपत राय को अमेरिका चले गए वो, और अरबिंदो घोष भाग गए थे, उन्होंने शरण ली थी, वो चले गए थे यहाँ से, साउथ चले गए थे अरबिंदो घोष, यहाँ से साउथ चले गए। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है फिर ये लगभग खत्म ही हो, कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया, कांग्रेस स्प्लिट कर गई, 2 हिस्सों में टूट गई थी। तो एनी बेसेंट की मदद से तिलक बाद में जब जेल से रिलीज हुए, तिलक जब रिलीज हुए अपनी सजा पूरी करके जब रिलीज हुए, तो एनी बेसेंट की मदद से दोबारा कांग्रेस ज्वाइन किए। एनी बेसेंट आयरलैंड की एक लेडी जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी रही,
आयरलैंड की एक लेडी एनी बेसेंट, जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी रही, इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए वो काम करती थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करती है, रिलीजियन के जो स्पिरिचुअल एंगल होते हैं उनके लिए। जैसे आपने जेडी कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा, एनी बेसेंट ने ही उनको गोद लिया था, जेडी कृष्णमूर्ति को, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े रहे वो। कभी आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनोगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, तो जेडी कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने गोद लिया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करती थी इंडिया में एनी बेसेंट, तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ी रही। उनकी मदद से दोबारा कांग्रेस में तिलक जुड़े और जेल की सजा वो पूरी कराए थे मांडले जेल बर्मा से। एनी बेसेंट की सहायता से तिलक वापस कांग्रेस में आए। तीसरा फेज जो है मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद जो तीसरा फेज है, तो सूरत स्प्लिट मैंने बताया, एक घटना मैंने बताई सूरत स्प्लिट जिसमें कांग्रेस ब्रेक हो गई थी, तो ये मैंने लिख दिया है, डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब आएगा सूरत स्प्लिट। तीसरा फेज जो मैं बोल रहा हूँ गांधीयन फेज, तीसरा जो फेज रहा वो है गांधीयन फेज। गांधी जी कांग्रेस में तो थोड़े ही समय के लिए रहे, कांग्रेस में थोड़े ही समय के लिए रहे, उसके बाद वो अलग हो गए थे कांग्रेस से। 1917 से 1947 तक गांधीयन फेज। गांधी वो पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश की एट तरीके से जो गुलामी थी, एट के एट पॉइंट पे बात करते हैं, जिन्होंने पूरी आजादी की बात की। आपकी एजुकेशन भी नहीं, आपके कपड़े नहीं, आपकी टेक्नोलॉजी भी नहीं, आपका कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, आपसे हमें कुछ नहीं, इंडिया इंडियन के लिए है, हम अपने लिए, हम पूरी तरह फ्रीडम चाहते हैं। उन्होंने बोला कि अंग्रेज तुमको गुलाम बना रहे हैं, आप मेंटल लेवल पे फ्री फील करो, उनको टैक्स मत पे करो, उनकी शिक्षा मत लो, मेंटल लेवल पे फ्री हो जाओ। कोई आपको कैसे गुलाम बना लेगा अगर आप मानसिक लेवल पे गुलाम हो ही नहीं। और मानसिक गुलामी ऐसी कि गांधी चले गए 1948 में, आज भी कई लोग अंग्रेजों की ही फिल्में, अंग्रेजों को ही कपड़े, उन्हीं का कल्चर कुछ ज्यादा समझ आता है लोगों को, उन्हीं को कॉपी करते हैं। भाई आजकल जो देख रहे हो कल्चर पनप रहा है कि पेरेंट्स से जिस तरह से बात करनी है, या सोसाइटी में जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो हम्बलनेस पेशेंस इंडिया के जो कल्चर का पार्ट था वो तो हम लूज करते जा रहे हैं ब्रिटिश को कॉपी करने के चक्कर में, अमेरिका को कॉपी करने के चक्कर में, हम उसको मॉडर्नाइजेशन मानते हैं। गांधी तो उस चीज को डिनाई करते, मना करते थे। गांधी वेस्ट की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो तो कहते थे कि भारत गांव में बसता है और भारत का विकास करना है तो पहले गांव को लेकर आगे बढ़ा जाए। तो गांधी वो पहले व्यक्ति हैं जो एट के एट पॉइंट पे बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, सिर्फ सिर्फ अंग्रेज चले जाएं उतनी ही आजादी से कुछ नहीं होगा, मेंटल लेवल पे हमें फ्री होना पड़ेगा उनके, जो जो उन्होंने हमें गुलाम बनाया है। तो उनके जाने के बाद भी आज तक भी तो लोग मेंटली गुलाम बने हुए, उन्हीं की टेक्नोलॉजी, उन्हीं की चीजें, हर चीज में उन्हीं को सुप्रीमेसी माननी है कि आप आजाद हो गए तो भी मेंटली आप उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो गांधीयन फेज 1917 से 1947, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे मैंने बताया, और गांधी इंडिया पहले भी आए थे, एक्चुअल में वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, पूरी कहानी मैंने गांधी जी वाले टॉपिक में बता रखी है, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो सिक्स लेक्चर देख लेना, गांधी जी के ऊपर दो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है मैंने पूरी तरीके से। इंडिया कब आए हैं भाई, इनकी पढ़ाई ब्रिटेन से की है, वकालत की है, साउथ अफ्रीका में एक कंपनी के लिए गए थे एक साल के लिए, फिर वहाँ इंडियंस के इश्यूज को लेकर कुछ समय और रुक गए थे, बीच में इंडिया आए भी थे, उस समय कांग्रेस ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था, पूरी तरीके से इंडिया आ गए थे। गांधी जी फाइनली रिटर्न टू इंडिया, फाइनली मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में भी आए थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9th जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को पूरी तरह भारत आ गए थे, फिर यही रह के उन्होंने काम किया। और 9 जनवरी को इसीलिए विदेश मंत्रालय मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, इसीलिए 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे। कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहाँ हुआ था इस साल? इस साल कहाँ पर हुआ था? करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया किसी ने?
करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने, तो प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय कराता है, इंदौर में हुआ था ना 2023, बस चेक करो, इंदौर इंदौर। अरे फिजी लिख रहे हो, प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया में कराया जाता है भैया। चीफ गेस्ट कौन थे तुम, वो बोल रहे हो शायद, आप शायद चीफ गेस्ट की बात कर रहे हैं, इंदौर में हुआ था ना 2023 में, इंदौर ऐड कर लो। करंट अफेयर में बता भी रखा है मैंने, ज्योग्राफी पढ़ाया था तब भी बताया था। प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ जरा करंट अफेयर का क्वेश्चन लिख लो, 2023 में इंदौर में हुआ है और चीफ गेस्ट थे इसके मोहम्मद इरफान अली, और ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। करंट अफेयर में बता रखा है, पर कई लोग अभी करंट पढ़े नहीं होंगे, करंट अफेयर जो कराया था उसमें बताया था ये, नोट कर लेना इसको। 2023 इंदौर ने कराया है प्रवासी भारतीय दिवस, और मोहम्मद इरफान अली ये रहे हैं चीफ गेस्ट, गुयाना के राष्ट्रपति। क्लियर है? और गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस मैंने बताया है, कई बार बताया है, BHU का इनॉग्रेशन डे, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इनका रहा है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस BHU इनॉग्रेशन डे, पहला इनका पब्लिक अपीयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, मदन मोहन मालवीय ने, ये फाउंडर थे इसके BHU के, मदन मोहन मालवीय फाउंडर थे BHU के। एक्चुअल में पहले एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज हुआ करता था, एनी बेसेंट ने बनाया था, उसको मालवीय को हैंडओवर किया था, तो बाद में उसी को ट्रांसफॉर्म करके और एरिया वगैरह बढ़ा के BHU बनाई गई थी, आगे आएगा टॉपिक। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था एनी बेसेंट ने, उसी को ट्रांसफॉर्म करके मदन मोहन मालवीय ने BHU बनाया। फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय, महामना बोलते हैं इनको, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो क्रोनोलॉजी कंप्लीट, सारे पॉइंट समझ आ गए, किस तरह से मैं आगे बढ़ना है, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग खुला, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा। थोड़ी बहुत कुछ क्लैरिटी आई टॉपिक में? एक पॉइंट और लिख लो, फिर आज क्लास एंड करते हैं। देखो, सम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, कुछ जो बड़े मूवमेंट रहे हैं उनके बारे में लिख रहा हूं मैं। चंपारण वगैरह भी मूवमेंट है, पर वो मास मूवमेंट नहीं है। मैं कुछ बड़े मूवमेंट यहां लिख रहा हूं,
जो हमें पढ़ने हैं आगे 1905 से लेकर 1908 तक चला था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, क्योंकि कर्जन वाइसराय था उसने बंगाल को डिवाइड कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था उसने रिलीजन के आधार पर, फूट डालो राज करो वाली नीति थी ना डिवाइड एंड रूल। तो 1905 से 1908 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था कर्जन ने, तो उसके अगेंस्ट में चलाया गया था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, ये था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1911 में जब इंग्लैंड का राजा भारत आया किंग जॉर्ज फिफ्थ, उसने इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि यह मूवमेंट वगैरह हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो राजा ने कैंसिल कर दिया। अब अभी मत सोचिएगा कि कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था वही बंगाल का विभाजन अभी तक नहीं, कर्जन ने जो पार्टीशन किया था वो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ जब इंडिया आया उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था, 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो फिर बंगाल बांटा गया, 1947 में जब इंडिया पार्टीशन हुआ है तब बंगाल का हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, ईस्टर्न पार्ट जो आज बांग्लादेश हो चुका है। तो उस समय जो पार्टीशन किया था बंगाल का इसने, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये एक बड़ा मूवमेंट था, 1905 से 8 तक चला था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट बंगाल के विभाजन के विरोध में। इसके बाद 1916-17 में चला है होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, इसको तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया, कुछ हिस्से में तिलक लीड कर रहे थे कुछ हिस्से में एनी बेसेंट, और कई लीडर्स में सपोर्ट कर रहे थे इन दोनों को, दो ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप को तिलक लीड कर रहे थे एक को एनी बेसेंट, और कई सारे लीडर इसमें सपोर्ट कर रहे थे इन दोनों को। गांधी जी ने पहला जो मास मूवमेंट किया है, चंपारण तो छोटा मूवमेंट था, पहला मास मूवमेंट गांधी जी का है एंटी रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक कानून पास किया था अंग्रेजों ने, एंटी रॉलेट सत्याग्रह, उस कानून के विरोध में पहला मास मूवमेंट था गांधी जी का, जलियांवाला बाग की घटना हो गई रोकना पड़ गया, तो एंटी रॉलेट सत्याग्रह 1919, ये गांधी जी का मूवमेंट। एंटी रॉलेट सत्याग्रह के बाद फिर चला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने स्वदेशी कपड़े वपड़े सब त्याग दिए, धोती पहनना शुरू कर दी ताकि गरीब लोग कनेक्टेड फील करें, गरीब लोग इमोशनली कनेक्ट हों, जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और धोती एडॉप्ट कर ली थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था असहयोग आंदोलन, खादी वादी चरखे से खुद सूत कातना, गांधी जी वाले टॉपिक को पढ़ाया हुआ है मैंने, मैंने बताया भी था कि हमारे फ्लैग में भी गांधी चाहते थे कि नेशनल फ्लैग जब हो उसमें चरखा रखें बीच में, नेहरू चाहते थे चक्र रखा जाए, गांधी चरखा क्यों चाहते थे, क्योंकि खादी सेल्फ रिलायंस का सिंबल है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था हमारा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भी स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट चले थे, अपनी चीजों को एडॉप्ट करना, अंग्रेजी चीजों को हटाना, बायकॉट करना, जिसमें गांधी ने खुद चरखे से सूत कात के धोती बना के अपने कपड़े पहनते थे खुद बना के, जिससे मास मोटिवेट हो, अंग्रेजी चीजों को रिजेक्ट किया जा सके। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने बता रखा है साफ साफ। अभी ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया, बड़ी चर्चा हो गई लोगों में शुरू, और मैंने 50 बार बोला है लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे सब बनेगा, ये पढ़ा के भेजा हुआ क्वेश्चन है कि खादी किस मूवमेंट में सेल्फ रिलायंस का सिंबल है, खादी, गांधी खुद चरखे से सूत कात के कपड़ा बना रहे थे, बताया था, तो यही मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन, एंटी रॉलर सत्याग्रह तो गांधी का फेल हो गया था मूवमेंट, यहां धोती अडॉप्ट क्यों करेंगे। गांधी पिक्चर में ही इंडिया में 1917 में चंपारण से चर्चा में आए, तो 17 के बाद एंटी रॉलर सत्याग्रह हुआ जो मूवमेंट फेल हो गया था, 1920-22 नॉन कोऑपरेशन बड़ा मूवमेंट चला है, तो धोती अडॉप्ट कहां, यही तो मूवमेंट है, खादी सिंबल भी यहीं पर आया। इसके बाद तो सॉल्ट सत्याग्रह किया था उन्होंने 1930-34 के बीच में, उसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जो अंग्रेज कहें उसको नहीं मानना है, अंग्रेजी लॉ अंग्रेजी टैक्स कुछ नहीं मानना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी इसमें 1930-34 तक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब एंटी लॉरेंस सत्याग्रह गांधी जी का है, नॉन कोऑपरेशन गांधी जी का है, सिविल डिसोबिडियंस गांधी जी का है। तो पॉइंट वही है, जब तरीके से पढ़ाया जाए तो कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, अरे सर इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, सब्जेक्ट को एंजॉय करके कोई पढ़ेगा, ये सब क्वेश्चन धोती कब अडॉप्ट हुई, ये कब, ये पैर से टिक कर दोगे, पर वही करेगा जिसने कहानी की तरह पूरा बार बार बोल रहा हूँ ये देखना है ये पढ़ना है, सुनेंगे ही नहीं। कॉपी उठा के देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खादी लिखा हुआ है साफ साफ, टीचर तो अपनी तरफ से पूरा बता रहा है, पर सुनेंगे पढ़ेंगे प्रॉपर फॉलो करेंगे तो पेपर आसान लगेगा। अभी यूपी जो ट्रिपल एससी पीईटी वाला पेपर हुआ है उसमें लोग परेशान थे, जीएस के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आप देखोगे नोट्स में एज इट इज लाइनें मिलेंगी। हालांकि मैं उस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा था, पर एक बच्चे ने पेपर भेजा, वो पेपर देखना और अपने नोट्स मैच कर लेना, जबकि चारों तरफ चर्चा क्या है, कोई दुखी है, कोई कह रहा आया नहीं, कोई कह रहा बहुत टफ आ गया, बहुत क्वेश्चन, कितना ही टफ पेपर आया हो कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे हैं। और कहोगे तो जब मैं हिस्ट्री खत्म कर दूंगा तो आपके नोट से मैच भी करा दूंगा, या जितना पढ़ चुके हो पॉलिटी पढ़ चुके हो पॉलिटी उठा के देख लेना, ज्योग्राफी पढ़ ली है ज्योग्राफी मैच कर लेना, हिस्ट्री खत्म होगा ये देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ जो मर्जी पेपर उठा के देखो, तरीके से पढ़ो बस सिक्वेंस में। आज मैं इंट्रोडक्शन ये क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, इसमें से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, इसी में से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। पूरा समरी बता दिया मैंने क्या किसके बाद क्या आएगा। तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था 1930 से 34, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद अंतिम कार्ड जो गांधी जी ने चला, क्विट इंडिया मूवमेंट। एक तरफ चल रहा था वर्ल्ड वॉर और गांधी जी ने कह दिया डू और डाई, करो या मरो, अब अगर आजादी नहीं मिली तो नहीं ले पाओगे। एक तरफ अंग्रेज उलझे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यहां गांधी जी ने कह दिया डू और डाई का नारा दे दिया कि अब अगर आजादी नहीं मिली कभी नहीं मिलेगी। पर कोई कई बार लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो डू और डाई को ऐसा समझ लेते हैं कि गांधी जी ने वायलेंस की बात कर दी, जबकि गांधी जी का तो प्रिंसिपल सत्याग्रह का है। सत्याग्रह के दो पिलर हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह, आपसे कोई पूछे सत्याग्रह का मीनिंग क्या निकलता है, दो पिलर पर टिका है, दो मेन चीजें हैं इसकी, ट्रुथ बेस्ड और नॉन वायलेंट बेसिस। तो गांधी जी का डू और डाई का जो नारा है वो नॉन वायलेंट बेसिस पर ही है। डू और डाई का इंटरप्रिटेशन वायलेंस कहीं से भी नहीं निकलता, डू और डाई का जो नारा है उनका वो नॉन वायलेंट तरीके से ही होना चाहिए, ठीक। और क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ 8 अगस्त को, जितने बड़े लीडर थे सबको जेल में डाल दिया। गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा था पुणे में, गांधी जी को आगा खान के पैलेस में जेल में रख दिया, जितने बड़े नेता सबको जेल में डाल दिया। तो ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, कोई बड़ा नेता इसका पार्ट नहीं था, कई यंग लीडर इसमें निकल के सामने आए, जिसको बोलते हैं आजाद दस्ता, राम मनोहर लोहिया, जेपीएस, अरुणा आसफ अली, कई नए नए लीडर यहाँ पर उभर के सामने आए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1948 को जब हुआ, गांधी जी ने आह्वान दे दिया, डू और डाई का स्लोगन दे दिया, एक रात पहले सारे लीडर अरेस्ट हो गए जितने बड़े नेता थे। लीडरलेस मूवमेंट था ये, लीडरलेस मूवमेंट था, और मोस्ट वायलेंट मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री में कोई है तो ये है, सबसे ज्यादा वायलेंस यहीं पर हुआ है, क्योंकि कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं था पार्ट, सबको जेल में डाल दिया था। तो ये एक लीडरलेस मूवमेंट था और मोस्ट वायलेंट मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। सबसे ज्यादा वायलेंस किसी मूवमेंट में हुआ है तो यहां पर हुआ है। तो एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट था और मोस्ट वायलेंट मूवमेंट था। नए नए लीडर निकल के सामने आए जिनको आजाद दस्ता कहते हैं, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जेपी मैंने बताया, तो कई नए नए लीडर, यूथ लीडर निकल के सामने आए इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में, इनको आजाद दस्ता के नाम से जानते हैं। तो 1942 ये घटना हुई, उसके बाद कैबिनेट मिशन वगैरह तो पॉलिटी में बता ही चुका हूं मैं। 1947 में फाइनली माउंटबेटन प्लान आ गया, पार्टीशन का पूरा रोड मैप क्लियर हो गया कि इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री बनने हैं, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा महाराजा जो हैं, वो खुद डिसाइड करें कि इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, या उनको इंडिपेंडेंट रहना है, कि उनको इंडिया जाना है या पाकिस्तान जाना है, या उनको इंडिपेंडेंट रहना है। तो लास्ट इसके बाद आ जाता है क्विट, ये माउंटबेटन प्लान लास्ट फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, 1947 माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये वो कानून है, इससे फिर इंडिया को दे दी गई आजादी, नेहरू पीएम बने, पावर ट्रांसफर। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये लास्ट कानून, इंडिया फाइनली आजाद हो गया इस पर। तो 1947 लास्ट जो प्लान है, माउंटबेटन प्लान 1947 में था, इंडिया पाकिस्तान का हो गया पार्टीशन, और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये कानून था फाइनल। यहां तक हमें पढ़ना है, ठीक है? चलो, ये हायरार्की क्रोनोलॉजी, हायरार्की नहीं, क्रोनोलॉजी पार्ट कंप्लीट। अब कल हम शुरू करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। कल पहला जो टॉपिक हमारा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां तक किसी को कुछ समझने में नहीं आया तो बताओ। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे हड़प्पन, फिर पढ़ेंगे आर्यन, आर्यन के बाद आएगा 600 BC एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मगध एम्पायर, मगध एम्पायर के बाद फिर हम पढ़ेंगे मगध में सारे डायनेस्टी वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुंगा डायनेस्टी मगध के बाद, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन डायनेस्टीज, फिर हम पढ़ेंगे गुप्तकाल, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता हर्षवर्धन के बारे में, फिर पृथ्वीराज चौहान वगैरह का समय जो था वो पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सईद डायनेस्टी, ये सब पढ़ेंगे, फिर आ जाएगा मुगल, मुगल के बाद आ जाएगा मॉडर्न इंडिया, ठीक है? ये सिक्वेंस रहेगा पूरा। टॉपिक कुछ एंजॉय किए या ज्यादा कंटेंट हो गया या बोरिंग हो गया? फाइनली क्या है फीडबैक, या कहीं हैंग वैंग तो नहीं कर रहा था वीडियो? अब मैंने यहां तक की कथा समाप्त की, अब आप बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताएं। जिसका जो भी फीडबैक है, जो कहना हो अब वो बताएं, भाई बोर हो गए कि एंजॉय किए, या बोरियत हो गई, नहीं समझ आया? अब जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको टॉपिक एब्सर्ड नहीं लगेंगे, नहीं तो होता क्या है, कोई टॉपिक चल रहा है और आगे का टॉपिक दिमाग में चलेगा कि पता नहीं आगे सब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, तो सब्जेक्ट की दिशा आपको समझ में आ गई कि ये चीजें आने वाली हैं आगे। अब वन बाय वन हम देखते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैदिक एज जो है वो आर्यन वाले टाइम तो है लोग, आर्यन जब हड़प्पन के पास आर्यन पढ़ेंगे तो आर्यन एज को ही वैदिक एज कहते हैं। अभी तो बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आएगा आर्यन एज, उसी को वैदिक एज बोलते हैं, शुरू में ही बोला है मैंने। तो हड़प्पन जब पढ़ेंगे उसके बाद वैदिक एज आएगा, वेदों के बारे में जो बात कर रहे हैं आप। राहुल गुप्ता कह रहे हैं अभी कुछ कुछ समझ आया, जो मैंने बोला है सीक्वेंस वो समझ आया, जो मैंने अभी बताया है राहुल क्या वो समझ पाए? अगर उतना समझ आ गया तो आगे की चिंता छोड़ो। जितनी भी क्लासे हुई हैं, क्या तुम्हें ऐसा हुआ है कि समझ नहीं आया हो और तुम आज ये कह पाओ कि सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, जीएस मुझे पल्ले नहीं पड़ रही? कोई भी स्टूडेंट ऐसा है? काफी लोगों ने जो मेरे से चर्चा की बैच ज्वाइन करने से पहले कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जीएस कैसे होगा? क्या अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है? ज्योग्राफी, आईसीटी, पॉलिटी, 2 महीने में 3 सब्जेक्ट तो वैसे खत्म हो गए, चौथा शुरू है। कोशिश करूंगा मैं नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक से पहले पहले ये पूरा हो जाएगा। अभी शुरू होने तो पहले पहले से मैं डेट नहीं काउंट कर रहा हूँ, अभी पहले क्वालिटी तरीके से पढ़ाया जाए। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो फोल्डर में शुरू के 6 लेक्चर जरूर देख लेना, जो नहीं देखे हैं उसको देख लोगे तो अलग ही लेवल पे मजा आएगा सब्जेक्ट में, उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। उतना डिटेल में एक एक पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, जिन लोगों ने वो लेक्चर देख लिए हैं वो खुद ही बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है चलो क्लास, गुड नाइट, इतना ही रखते हैं। अब कल इसके आगे की कथा देखेंगे, इसके आगे की कथा कल देखेंगे, यहीं पर रखते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू ऑल।